आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूं आईएमसी कंपनी के एक डायनामिक लीडर डॉक्टर अख्तर खानवाला जी को। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन। देखिए, ऊपर वाले ने बहुत ही दिमाग लगा के अपना एक क्रोनोलॉजी में पूरे बॉडी के पार्ट्स को बना दिया है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज ब्रेन, देन कम्स योर हार्ट। हार्ट लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? हार्ट कहां पे? लेफ्ट साइड। कुछ कुछ का राइट में भी होता है, दैट इज डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, कुछ लोगों में होती है, बट एनीवेज मैक्सिमम लेफ्ट साइड में होता है। देन कम्स लंग्स, गैस्ट्रिक सिस्टम, स्टमक, लीवर कहां होता है? राइट साइड, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोलते हैं, यहां पे होता है। स्प्लीन होती है, पैनक्रियास होता है, उसके बाद में किडनीज होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट होती है, गॉल ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें दिक्कत कहां पे आती है? कई बार जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं, बंदे को यहां पे छाती में दर्द हो रही है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा ऑर्गन कहां पे है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स जो है एक दूसरे से मिक्स मैच हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज क्या है। कई बार यहां पे छाती में अगर भारीपन लग रहा है तो सामने वाले को लगता है इसको हार्ट अटैक ही आ रहा है, उसको उठा के हार्ट स्ट्रॉन्ग दे दोगे आप, बट नो, ही माइट बी हैविंग समथिंग रिलेटेड टू द लंग। उसको हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक बात है। तो मेन जो हमारा विषय है आज का, मेरे पास आज 10 प्रोडक्ट्स है, मैं उसको बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज श्री तुलसी। तुलसी में 5 तरीके की तुलसियां हैं, सभी को पता है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत सिरसा और नींबू तुलसी। द फर्स्ट एक्टिव मॉलिक्यूल इज यूजेनॉल। यूजेनॉल ये मॉलिक्यूल जो है, इट इज एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च, टेक्सस यूनिवर्सिटी बोलती है कि तुलसी के अंदर 3 मुख्य जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक है यूजेनॉल, जो एंटी कैंसरस है, भारी मात्रा में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। सेकंड इज सेयूनॉल। सेयूनॉल जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जहां जहां आपको इन्फ्लेमेशन होता है, जहां जहां जो जो बीमारियों में आपको आइटिस नाम जुड़ा हुआ है पीछे, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सारी जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, तो आप तुलसी हमारी हर एक ऐसे प्रॉब्लम्स में दे सकते हो। अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, फीवर है, ये सारी कंडीशंस में आप दे सकते हो। जो तीसरा एक्टिव मॉलिक्यूल है हमारा, वो है कफेन। कफेन इज अ नेचुरली प्रेजेंट मॉलिक्यूल इन तुलसी, और कैफेन जो है एक नेचुरल पेन किलर होता है। कई बार जब हेडेक होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार एक स्ट्रांग कॉफी दे दें, और मूड एनहेंसर होता है, ठीक बात है। तो कई लोगों को जो डलनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन है, तो वो लोग जो है ये प्रोडक्ट लें, उनको काफ़ी आराम मिलेगा। जिस किसी को नींद नहीं आती है, बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, इंसोमनिया जिसे कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स तुलसी आप उनको दे सकते हैं। साथ में इसमें होता है अल्कोलॉइड्स। अल्कोलॉइड्स जो है वो, इट इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जो हमारे शरीर को बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन जरूरत है जीवित रहने के लिए, वैसे नाइट्रोजन भी हमारे शरीर को बहुत बहुत जरूरत है। सो अल्कोलॉइड्स होती है। फिफ्थ इज फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है? ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्लांट्स में मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स है। और फ्लेवोनॉइड्स का काम क्या है, आप लोग देखते हैं ग्रीन टी उसमें लिखा है फ्लेवोनॉइड्स, और ग्रीन टी क्या करती है, मोटापा चर्बी घटाने के लिए काम में आती है। तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स काफी भारी मात्रा में है, तो आपके चर्बी भी कम हो जाएगी। एंटी हिस्टामिन्स है इसमें। व्हाट इज एंटी हिस्टामिन? ये आपकी सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स को रोकने में काम में आता है। तो एंटी हिस्टामिन्स होती है, तो ये क्या करती है, एंटी हिस्टामिन क्या करता है बेसिकली? एंटी हिस्टामिन मार्केट में आपको पता है एलेग्रा, सिट्रिजीन, ऐसी टैबलेट्स का नाम सुना होगा, दे आर ऑल एंटी हिस्टामिन्स, बट दे आर सिंथेटिक। ये सिंथेटिक है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर बायो अवेलेबल, बायो एब्जॉर्बेबल, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है
वो इस तरीके से बना है कि जो हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है वो हमारे शरीर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है. अंडरस्टैंड दिस. एंड दैट इज व्हाई ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है. तो एंटी हिस्टामिन्स है. तो कहने का मतलब ये है कि जो तुलसी है, तुलसी के सभी लोग डेमो करते हैं, तुलसी में हम लोग डेमो करके दिखाते हैं कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, ये सारी चीज़, ये क्यों होता है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट. ये आप अगर बता दोगे तो लोग जो है समझ जाएंगे कि यस तुलसी इस तरीके से काम करता है. सो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक, एंटी ऑक्सीडिंग, एंटी सेप्टिक, एंटी कैंसर हमारी तुलसी की प्रॉपर्टीज है. फीवर, हर टाइप के फीवर में आप इसको दे सकते हैं. किसी भी प्रकार का फीवर हो, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, दे सकते हैं. आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, जो मैं रेगुलरली हमारे पेशेंट्स को देता हूँ, कि किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, कम नहीं हो पा रहा है, तो आप 100 ml पानी लीजिए, उसमें करीब 10 ml गौमूत्र डालिए और हमारे तुलसी के 10 बूंद डाल दीजिए और उसको एवरी हाफ एन आवरली पिलाइए, एक एक चम्मच, एंड यू विल सी दैट विद इन 24 to 36 hours उसका फीवर ठीक हो जाएगा. वंडरफुल रेमेडी. तो किसी भी प्रकार के आप फीवर के लिए दे सकते हैं. प्रोटेक्ट्स द हार्ट, हार्ट के लिए काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ यूजेनॉल. बीट स्ट्रेस, क्या करता है स्ट्रेस को किस तरीके से बीट करता है, बिकॉज की ये जो एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये हमारे जब भी हमको स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस कर देता है. सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट. डिजॉल्व किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक है क्योंकि यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसको घटाना चालू कर देता है. साथ में स्मोकिंग के लिए, जो भी नशा पत्ती के आदि हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट. ये कोई नशा छुड़ाने के लिए नहीं है, बट इसकी जो अरोमा है, इसका जो टेस्ट है, वो ऐसा है कि आपको वो सिगरेट या तंबाकू छुड़वाने के ऊपर मजबूर कर देगा. तुलसी पानी को भी बहुत साफ करती है. अगर हम 1 लीटर पानी में 1 बूंद अगर तुलसी डाल दें तो उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है, उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक मेटल्स है, उसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स है, वो टोटली जो है नष्ट कर देगा और पानी को साफ सुथरा और पीने लायक बना देगा ये तुलसी हमारा. तो ये तो घर घर की आवश्यकता है, ये तुलसी हर एक इंसान ने लेना है. और तुलसी का जो डोजेज है, अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हो, आप निरोगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 से 6 बूंद लीजिए. 4 से 5 लीटर पानी पीते हो रोज, जरूरी है पानी पीना, तो 4 से 5 बूंद आप तुलसी डाल के उसको रोज पीते रहिए. अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो जैसे मैंने बताया कि एज के हिसाब से, न्यूट्रिटिव एज है तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, मैनेजिंग एज है तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और पैलिएटिव स्टेज में आपको डोज ज़्यादा देना पड़ेगा. तो 3 से 4 बूंद अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैंसर में देना है, आपको किसी भी ऐसे प्रॉब्लम्स में देना है, 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको उसको पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के देना है. एक बात ध्यान रखें कि तुलसी लेने के पहले और बाद में दूध ना पिए. नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर इज एलोनोनी. नोनी बहुत ही बिकने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है. इसमें हमने नोनी के साथ में आंवला, अश्वगंधा, विधारी कंडी, रसायना, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें डाली हैं. लेट अस उसको अभी हम लोग सब डिवाइड करते हैं. व्हाट इज नोनी? नोनी एक फ्रूट होता है ग्रीन कलर का, जो जनरली हवाइन फ्रूट है, हवाइन आइलैंड्स पे मिलता है. फुल ऑफ न्यूट्रिशन, भयंकर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रूट है. हमारी कंपनी ने क्या किया है कि ये सारी चीज़ों के अलावा इसमें एलोवेरा डाला हुआ है. तो आज जो हमारा नोनी है, नोनी क्यों काम करता है? बिकॉज ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल जेरोनिन. जेरोनिन जो है बेसिकली इट इंक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी इन आवर बॉडी. हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को जो है ये गति में लेके आ जाता है. तो ये जो जेरोनिन है ये क्या करता है कि आपके सेल्स की एक्टिविटीज को बढ़ाता है बाई पुशिंग इन द एंजाइम्स. सेकेंड जो चीज है पॉलीसैकेराइड्स है, ये इम्यून स्टिमुलेटर्स हैं, इम्यून स्टिमुलेटर्स होते हैं. साथ ही में स्कोपोलेटिन है,
सो नेक्स्ट थिंग इज एंथ्रोक्विनिन्स होती है, ये एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल इसकी क्वालिटीज है। साथ ही साथ हमारा ग्लाइकोसाइड होता है, ये भी अगेन एंटी कैंसर इफेक्ट देता है। तो नोनी जो है ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ओवरऑल आपके इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। ये कैंसर से लेके आप लिवर सिरोसिस में दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है थायराइड में देने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आपकी स्किन को नरिश करने के लिए। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हेयर फॉल के लिए। ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि कम से कम नहीं तो भी 225 से 250 बीमारियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आमला है, आमला जो है बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन सी का सोर्स है। इसमें त्रिकाटु है, त्रिकाटु जो है ये डाइजेस्टिव आपका डाइजेशन को बढ़ाता है। त्रिकाटु एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हर्ब्स। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, पेन को कम करता है। साथ ही साथ विदारीकंड है, ये एक बहुत ही बढ़िया रिप्रोडक्टिव टॉनिक है। तो ये सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है, ये मेंसेस को ठीक करता है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक वैसोडायलेटर है, तो ये क्या करता है कि आपका जो बीपी है उसको लो कर सकता है, बीपी को लो करने में काम में आता है। तो ये प्रोडक्ट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसको लो बीपी है उसको ना दें, लो बीपी के लोगों को मत दीजिए, जिसको हाई बीपी है उसको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वैसोडायलेटर, मतलब इसमें विदारीकरण जो है वो। रसायना चूरन, इसमें गोला, गोसुखा और आमला का मिश्रण होता है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ग्रेप इज़ अ वेरी गुड एंटी कैंसर, बहुत बढ़िया इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ये दे सकते हैं। नोनी का लेने का तरीका जनरली जो मैंने आमतौर पे देखा है, जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में देते हैं, इसका जो तरीका है इसको आप धीरे धीरे बढ़ाइए, इसका डोज धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। 10 ml से स्टार्ट कर सकते हैं आप, छोटी एज के बच्चों को बोल रहा हूँ, 12-13 साल का, 15 साल का बच्चा है, उसको ADHD है, कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक मेमोरी है, तो ऐसे लोगों को आप जो है 10 ml मॉर्निंग इवनिंग दीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है ऑलरेडी, डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की दिक्कत है, तो ये आप जो है 20 ml से स्टार्ट कीजिए, 20 ml सुबह, 20 ml शाम दीजिए। किसी को 80 साल वाला मिला बाबा जी, जो भी मैंने बताया, जिसको बाल उगाने के हैं, तो उसको 20-20 ml में कुछ नहीं होने वाला, उसको आपको देना पड़ेगा 60-70 ml। बाल उगाने हैं तो उसको फिर 60-70-80 ml दीजिए उसको, 2-3 बार, ज़्यादा देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हर्बल यूरिनॉम, इसमें शिलाजीत है। हर्बल यूरिनॉम का बेसिक यूज है ये पेशाब में जलन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI जिसे कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो पेशाब में जलन है, पेशाब यूरिन रिटेंशन है, रुक जाती है, रुक रुक के आती है, ड्रॉप ड्रॉप में आती है, जब भी आती है बहुत दर्द होता है, फीवर आ जाता है कई लोगों को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। आप उसको अगर पैथोलॉजी कराएंगे, जब आप रिपोर्ट कराओगे तो आपको पस सेल्स दिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स दिखेंगे पेशाब में, तो ये सारे जो है UTI के सिम्टम्स हैं। बट हमारा यूरिनॉम जो है ये उससे भी बेहतर और बड़ा काम करता है। क्या काम करता है? UTI तो ठीक करता ही है, लेकिन साथ साथ जो है लेडीज में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 70% लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, बिफोर मेंसिस हो सकती है, आफ्टर मेंसिस हो सकती है, या 30 दिन होती है इनको। बहुत ही पीड़ादायक है चीज़, कई बार खारिश होती है, खुजली होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत लाभ देगा। साथ ही साथ किडनी स्टोन्स के अंदर, किडनी में भी स्टोन्स कई प्रकार के होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, कॉमनली ये इस टाइप के स्टोन मिलते हैं। आपको ये समझिए कि जो किडनी बनी है उस किडनी पे स्टोन कहाँ पे है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर किडनी की अपर लोब में है स्टोन निकलना बहुत मुश्किल है, अगर लोअर लोब में, ये मान लो किडनी है ये ऐसा, अगर स्टोन यहाँ पे है ऊपर है निकलना मुश्किल है, नीचे है
और मुश्किल है, बिकॉज इट हैज टू गो अप द ग्रेविटी और बाहर निकलना है। अगर ये स्टोन यहां पे है, मतलब जहां से उसकी पाइप निकल रही है या यूरेटर्स जो निकलते हैं यहां पे है, तो आसान है स्टोन निकलना। तो ये भी थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप किसको क्या बोल रहे हो। लेडीज में अगर बड़े स्टोन है तो निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। मेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट छोटी होती है, यूरेथ्रा छोटा होता है, तो 4-6 mm के स्टोन निकलना पॉसिबल है। लेडीज में आप 7-8 mm के भी स्टोन निकल सकते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो ये जो है, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स निकालने के लिए काम में आता है। मैं कई बार ये प्रोडक्ट जो है, जिस किसी को एक्ने का प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग एक्ने के प्रॉब्लम में जनरली ब्लड प्यूरिफायर देते हैं, लेकिन मैं जो है ये भी प्रोडक्ट दे देता हूँ कई बार, जिसको मुहासे हो गए हैं, बहुत पुराने 8-8, 10-10 साल से मुहासे नहीं जा रहे हैं, तो मैं उनको हर्बल यूरिनॉम भी देता हूँ। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है, ब्लड को प्यूरिफायर करता है, बिकॉज ऑफ कौन सा, काकड़ी बीज। काकड़ी बीज इज अ गुड बॉडी टॉक्सिन रिमूवर, और साथ में हमारी शरीर को जो है ठंडक पहुंचाता है। साथ में वरुणा छाल, ये डाई यूरेटिक है, मतलब हमारे शरीर से जितना पानी है उसको बाहर फेंकने के लिए काम में आता है। एंटी लिथियाटिक है, एंथी लिथियाटिक का मतलब है कि इट इज अ स्टोन ब्रेकर, स्टोन ब्रेकर एंथी लिथियाटिक। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कुल्थी, कुल्थी जो है गैस फ्लैचुलेंस वगैरह को कंट्रोल करती है। गिलोय है, गिलोय अगेन एक बहुत ही बेहतरीन हर्ब है जो बैक्टीरिया को फाइट करता है, टॉक्सिन को निकालता है, और साथ ही साथ ये जो है लिवर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स में काफी प्रभावी काम करता है। शीतल छाल, साथ ही साथ पलाश, पलाश के पुष्प है इसमें। ये जो है मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकोरियाज़, आई टोल्ड यू के सफेद पानी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हर्बल यूरिनॉम 10 ml सुबह, 10 ml शाम को दे सकते हैं। इन केसेस विच आर 5-6 mm के स्टोन्स हैं, उनको पानी भी पिलाइए, भरपूर पानी पिलाना है। किसी को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, 6-8 साल के बच्चों को भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफायर अगेन अ बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। ये कॉम्बिनेशन इसमें हमने डाला है नीम, नीम के जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो है आजादी रिक्टिन। ये एक रेपेलेंट है, मॉस्किटो जैसा रेपेलेंट होता है ना, इस तरीके से। तो इट इज एब्सोल्युटली आजादी रिक्टिन जो इसके अंदर एक एक्टिव मॉलिक्यूल है, इट इज अ रेपेलेंट। एंटी हार्मोनल एंड एंटी फीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी फीडेंट मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े, उसको भगाने की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। निम्बिन, निम्बिन इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक मीन्स एंटी फीवर, एंटी फीवर प्रॉपर्टी है। एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन का काम क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म आपने देखा, सेल जो होता है, सेल के आजू बाजू जो है वो एक कवरिंग सी तैयार कर लेते हैं एंटी हिस्टामिनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसी वजह से हिस्टामिन रिलीज नहीं होता और इन्फ्लेमेशन घट जाता है शरीर में। तो इसमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज है। निम्बिडिन जो है ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी अल्सर है। ये हमारे शरीर में अल्सर जिसको बहुत ज़्यादा होता है, अल्सर किसको ज़्यादा होते हैं जनरली, जो स्मोकिंग करते हैं, जो सही नींद नहीं लेते हैं, जो सही समय पे खाना नहीं खाते, इनको सभी को अल्सर्स होना चालू हो जाते हैं। तो आप ऐसे केसेस में भी जो है ब्लड प्यूरिफायर दे सकते हैं। तो ब्लड प्यूरिफायर जो है अल्सर वगैरह में भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये वैसोडायलेटर है। तो वैसोडायलेशन की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर से जितने भी थोड़ा सा आपका ब्लड रक्तचाप जो है उसको भी कम करेगा, आपके शरीर से जो है इंट्रास्टिशियल जो फ्लूड एक्सचेंज है उसको प्रभावित करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज जो हमने डाली है वो चिरायता एक्सट्रैक्ट है, नोन एज नेपाली नीम। ये नेपाली नीम है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इसका काफ़ी प्रसिद्ध है ये। साथ ही साथ इसमें पित्तप्रा एक्सट्रैक्ट है, ये एंटी हिपेटोटॉक्सिक है, जो लिवर के अंदर टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं उसको भी जो है खींच के निकालने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कुटकी एक्सट्रैक्ट, ये कुटकी एक्सट्रैक्ट मेनली क्रॉनिक फीवर, साथ ही साथ इसमें पुनावरना एक्सट्रैक्ट है, यूजफुल इन प्यूरिफाइंग द ब्लड। साथ ही साथ आप इसको भी ब्लड प्यूरिफायर को ल्यूकोरिया में दे सकते हैं, सफ़ेद जो पानी जिसको जाता है उनको आप ये दे सकते हैं, जिसको
मुंह में छाले हो रहे हैं उनको भी आप दे सकते हो ये प्रोडक्ट। तो इसका जो जनरल डोजेज जो है वो 10 ml टू 20 ml डिपेंडिंग ऑन द केस। बहुत सारे मुहासे जो होते हैं वो बहुत पस वाले होते हैं, पस होता है, तो ऐसे केसेस में जो है आप हमारा हर्बल ब्लड प्यूरीफायर के साथ में उनको आप डेफिनेटली हमारा आयुर्वेदिक स्किन सोप दें और उनको एलो हर्बल जेल जरूर लगाएं, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीट गोल्ड वंडरफुल प्रोडक्ट, आई लव दिस प्रोडक्ट यार, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। वीट ग्रास से बनता है बेसिकली एंड ये इसे ग्रीन ब्लड भी कहते हैं, ग्रीन ब्लड कहते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारी हीम के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं विच मेक्स हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट समान होते हैं। ब्लड रेड होता है बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये हमारे खून के अंदर जो है खून की मात्रा हीमोग्लोबिन इतना बढ़ा देता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ब्लड। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें हर प्रकार के मिनरल्स, इसमें हर प्रकार के विटामिंस ये सारे मौजूद हैं, बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। इसमें करीब 17 प्रकार के अमाइनो एसिड्स भी है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, हमारे शरीर जो बना है प्रोटीन से, अमाइनो एसिड्स बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ये प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसके अंदर क्लोरोफिल बहुत भारी मात्रा में। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो है जितने भी ग्रीन प्लांट्स जो आप देख रहे हो जो इस धरती पे है उसका ग्रीन कलर जो है ये पिगमेंट की वजह से है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट और ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उसी की वजह से क्लोरोफिल अगर शरीर में होगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारा जो है बेटर हो जाएगा, हमारे शरीर में नाइट्रोजन की जो एब्जॉर्प्शन है या कंजम्पशन है या यूज़ है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें 70% जो है क्लोरोफिल होता है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड बिल्डर। शरीर में ब्लड के होना बहुत ज़रूरी है तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ब्लड बिल्डर। इट हेल्प्स टू स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, जो एजिंग प्रोसेस है उसको घटाने में हमारा वीट गोल्ड बहुत काम करता है। हेल्प्स टू प्यूरिफाई द लिवर, इम्प्रूव्स ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिवर ब्लड हार्ट के लिए एक बेहतरीन टॉनिक हो सकता है। आप ये उन महिलाओं को दीजिए जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिनकी साइकिल जो है बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है, जिनको बहुत भारी ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग की वजह से जो है वो एनीमिक हो चुके हैं, उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 7-8 पे भी आ चुका है, तो ऐसे लोगों को आप दे सकते हैं। कई लोगों को सिकल सेल एनीमिया जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ऐसे केसेस में आप दे सकते हैं इसे, अच्छा आपको रिजल्ट देगा। साथ ही साथ उन लोगों को दीजिए जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, कई बार किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ऑपरेशन हुआ, भारी ब्लड लॉस हो चुका है तो वो एनीमिक हो जाते हैं, आप उनको दे सकते हैं। कई बार किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स के अंदर भी बहुत सारे लोग एनीमिक हो जाते हैं, रोज की ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग हो रही, तो वो एनीमिक हो जाते हैं, मतलब उनका ब्लड काउंट कम हो जाता है, तो आप उनको भी ये प्रोडक्ट हमारा दे सकते हैं, उनका ब्लड लेवल्स इंक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा। इसमें अर्जुना है, महाभारत वाला नहीं अपना हर्ब। अब ये अर्जुना जो है ये हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अर्जुना जो है ये क्या करता है कि आपके लिम्फ जो है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का एक सिस्टम है जो जितना कचरा है उसको निकालता है, तो ये लिम्फैटिक्स को जो है पूरा ठीक कर देता है और हमारे हार्ट को बहुत मजबूत बनाता है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट और मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से है। तो अर्जुना इज वेरी गुड फॉर हार्ट एंड द ब्रेन ऑल्सो। इसमें गोक्षुरा है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, नरिशिज द बॉडी और ये एक अफोर्सडियाक की जैसा काम करता है। अफोर्सडियाक मतलब कि सेक्सुअल ड्राइव को ये बढ़ाने का काम करता है। तो वीट गोल्ड टैबलेट हम किस किस कंडीशन में दे सकते हैं? आप थायराइड में दे सकते हो, आप कैंसर में दे सकते हो, आप अनीमिया में दे सकते हो, आप स्किन को बेटर करने के लिए दे सकते हो, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे सकते हो, आप लिवर प्रॉब्लम में, लिवर सिरोसिस हो चुका है, अगर लिवर की किसी भी कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है आप उसमें दे सकते हैं। इसको जनरल लेने का तरीका है, अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं, आप लाइफ लॉन्ग सेहतमंद रहेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम दे सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई चीज़ को मैनेज या पैलिएशन करने के लिए दे रहे हैं तो आपको दो दो टैबलेट आगे देना पड़ेगा। पेन अवे टैबलेट में करीबन 23 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ डाली है हमने, जो दर्द को रोकने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए और स्टिफनेस को रोकने के लिए
काम में आएगी। जो मुख्य जो हर्ब्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है उसके बारे में मैंने इसमें लिखा है। सबसे पहले है कुरकुमिन। कुरकुमिन मतलब हल्दी। हल्दी जो है एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, हम सभी जानते हैं। इसके अंदर जो हाइड्रोकुरकुमिनॉइड्स होते हैं ये एंटी कैंसर होते हैं, ये डीजनरेशन प्रोसेस को रोकते हैं। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त हर्ब है जिसका नाम है कुचुला सुधा। कुचुला सुधा जो है इंग्लिश में इसे स्ट्राइचिनस नक्स वॉमिका बोलते हैं। नक्स वॉमिका बेसिकली इट इज़ पॉइजनस। अगर आप रॉ फॉर्म में लोगे तो ये जहर है, अगर आपने लेके खा लिया उसको तुरंत मर जाओगे। उसमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो स्ट्राइचिनिन होता है, बहुत ही डेंजरस पॉइजन है वो। तो ये जो है एक्चुअली जब इसको प्रॉपरली प्रोसेस करके जब मेडिसिनली यूज करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण मेडिसिन बन जाती है पेन को घटाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है पेन को घटाने के लिए। साथ ही साथ इसमें संभालू है जो एक बहुत ही बढ़िया मसल रिलैक्सेंट है, मसल को रिलैक्सेशन का भी काम करता है और साथ ही साथ पेन रिलीविंग के लिए भी ये काफ़ी सराहा जा सकता है। सुरंजन है, ये एक एल्कोलॉइड है जिसका जो मेन एक्टिव मॉलिक्यूल है कोल्चिसिन, मतलब इसको कोल्चिकम ऑटोमिनल इसका नाम है, कोल्चिकम ऑटोमिनल। तो ये इसमें कोल्चिकिन एक बहुत ही बढ़िया पेन किलर है, बहुत ही ज़बरदस्त पेन किलर है। रसना है, ये वो वाला रसना नहीं है, ये हर्ब वाला है रसना, ठीक है। तो ये रसना जो है ये मैनेजेस द प्रॉब्लम ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आप लोगों को हमारा जो एक प्रोडक्ट जो बनाया है पेन अवे, वो ये ओवरऑल दर्दों के लिए है। कई बार नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होने की वजह से जो नर्व्स सही उसकी काम नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप दे सकते हैं जो स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। एरंडी का तेल, गांव खेड़े में तो यही ज़्यादा यूज़ करते थे, एरंडी कैस्टर ऑयल ऊपर लगा लीजिए ज़बरदस्त। तो इसको हमने एरंड जो है ये हमने हर्ब डाला हुआ है। बेसिकली इट इज़ अफोर्सडियाक, अगेन सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है एरंडी। पेन रिलीफ के लिए है, यूजफुल इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रिलीव्स पेन। पेन अवे का जो डोजेज है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैं आपको उसको थोड़ा आसान कराना समझाने की कोशिश करूँगा। जो फिजिकली कॉज्ड हुआ है, मतलब जो बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस वेयर एंड टेयर की वजह से हो रहा है विथ एजिंग जो हो रहा है, जैसे मैंने बताया लेडीज़ को होता है, ऐसे कंडीशन में उनको जो है आपको ओनली पेन अवे से काम नहीं चलेगा, टैबलेट्स हैं। आप अगर कोई लेडीज़ को जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से अगर उसको पेन हो रहे हैं तो आप पेन अवे टैबलेट दे दोगे तो काम नहीं चलेगा। उसको आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लिए कुछ देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में आप वीटा डाइट दीजिए, ऐसी अवस्था में आप स्पाइरुलिना साथ में दे सकते हो, ऐसी अवस्था में आप जो हमारा नया जो अभी कैल्शियम प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो दे सकते हो, तब जो है आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा। जैसे शॉकिंग वगैरह न्यूजेस के वजह से जैसे पेन बढ़ जाते हैं, या एक पीरियोडिकल आपको क्रैम्पिंग वगैरह ऐसे केसेस में जो है, तब आप उसको पेन अवे दे सकते हैं। मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट मेक श्योर कि आप उसको साथ में तुलसी भी दें, बिकॉज की कैफेन जो है वो जो है नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करता है, तो उसको वो रिलीफ होगा। पेन अवे टैबलेट के साथ में तुलसी गर्म पानी में मिला के दीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि पानी में टैबलेट और तुलसी डाल के नहीं, तुलसी वाला पानी गर्म पानी और उसको टैबलेट लेके पी लीजिए, वो नाइट पावर टैबलेट। नाइट पावर टैबलेट ऑब्वियस सी बात है कि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में काम का है। फॉर ह्यूमन बींग्स ये एक ही ब्रीड ऐसी है जिसको सेक्स जो है फिजिकली नहीं होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इमोशन। यू रिक्वायर इमोशन, यू रिक्वायर लव, यू रिक्वायर अफेक्शन। आपके अंदर वो हार्मोन रिलीज होने पड़ेंगे, आपके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन मेल्स है तो जागने पड़ेंगे, अगर लेडी है तो प्रोजेस्टेरोन होना पड़ेगा, उसके अंदर कई सारे हार्मोन्स है वो जगने पड़ेंगे तभी होगा, और वो सारा चीज यहां से स्टार्ट होता है। आज सभी लोग जो है पैसे से लेके प्रॉब्लम में है, फैमिली में कुछ तकलीफें चल रही है, किसी का लोन पड़ा हुआ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, टेंशन 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 है।
हमारा एक ओनली एक ही एक प्रोडक्ट, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया है. द डॉक्टर्स, द साइंटिस्ट, द रिसर्चर्स न्यू वेरी वेल कि बॉस इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो आपके ब्रेन को जो है काम डाउन करने के लिए, आपके मस्तिष्क की जो जितनी भी हॉर्मोन्स जो रिलीज करता है उसको सही लेवल करने के लिए वहां से हमने काम स्टार्ट किया. तो इसके लिए हमने शिलाजीत डाला इसमें, हमने इसमें सफ़ेद मुसली डाल दी, हमने इसमें कवच डाला, दालचीनी डाली, जायफल है, अश्वगंधा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इसके अंदर, मतलब हर्ब्स की इसके अंदर डाला है. लेकिन मैंने आपको मेन प्रोडक्ट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए उसके बारे में बताया, जो शिलाजीत है. ब्राह्मी डाला है हमने इसमें, अश्वगंधा डाला हुआ है, इसमें सफ़ेद मुसली डाली है. ये सारे ही जो है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो है हर्बल अफोर्स डीएक्स है. ये आपकी नेचुरल एपेटाइट जो है सेक्स की उसको बढ़ाती हैं, आपके माइंड को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, आपके माइंड के अंदर जो एक प्रेम की भावना है, जो एक अफेक्शन है, वो सारी चीज को पैदा करते हैं, आपके माइंड को जो है एकत्रित करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मुझे ये काम यहीं पे करना है. सी, यू कैन नॉट डू योर बेडरूम वर्क इन योर ऑफिस, यू कैन नॉट डू योर ऑफिस वर्क इन बेडरूम, राइट? सो वो सारी चीज़ों को जो है ना, कई बार माइंड अगर सही समय पे सही जगह नहीं है तो ये सारी चीज़ें होती है. हमारा ये प्रोडक्ट जो है खाली जेंट्स के लिए नहीं, ये लेडीज़ के भी काम करेगा और जेंट्स पे भी काम करेगा. ये भी एक बहुत बड़ी बात है, दोनों के लिए है. इट्स अ वेरी बिग मार्केट और इसी की जरूरत है बॉस. आज जिसको बच्चा नहीं है, आप उसकी पीड़ा को समझो, उसके माँ बाप की पीड़ा को समझो, उसके दादा दादी की पीड़ा को समझो, उसके नाना नानी की पीड़ा को समझो, जो अभी नहीं बने हैं लेकिन वो बनना चाहते हैं, नाना नानी बनना चाहते हैं, दादा दादी बनना चाहते हैं, माँ बाप बनना चाहते हैं. वो जब बाहर देखते हैं कि यार अच्छा खासा बच्चा खेल रहा है फूल जैसा और हमें नहीं है, तो आप कितना बड़ा अच्छा काम कर रहे हो. ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आप उसको जानकारी दोगे, अगर उसको स्पर्म काउंट कम है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अगर उसके लाइफ के अंदर आपके एक सही डायरेक्शन देने के वजह से अगर उसको बच्चा हो जाता है तो कितनी दुआएं मिलेगी आपको. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये जो है इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, टाइम स्पैन को बढ़ाएगा, लेडीज को भी जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम बहुत सारी जो है उनको इच्छा शक्ति इनफैक्ट मर जाती है. तो या भाई ये ऐसा काम है कि आपकी इच्छा शक्ति की वजह समय नहीं होता ना, मतलब इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली. तो लेडीज को भी बहुत अच्छा काम करता है. स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाएगा, अर्ली जो इजैक्युलेशन बोलते हैं, शीघ्र पतन, उसके अंदर काम में है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसके अंदर काम में आएगा. बेसिकली ये जो है ये ब्लड सप्लाई बढ़ाता है. ऑर्गन कैसा काम करता है, ताकत कैसे आती है ऑर्गन में, जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा तो ये आपके ब्लड की सप्लाई बढ़ा देता है सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर. ये आपके मस्तिष्क में जो है ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, आपके जो हॉर्मोन्स है उसको सही तरीके से गाइड करता है. टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, फॉलिकुलर हॉर्मोन्स है जो भी है, इसको सही गाइड करता है, बढ़ाता है. तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है सेक्सुअल लाइफ के लिए. ये ऐसा प्रोडक्ट है जो रिजल्ट देगा, बट इट विल टेक सम टाइम. आपको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा. आपको इसको देने का तरीका है, दूध के साथ में ले तो बहुत अच्छा है. इसको अगर आप हल्दी मिला के दूध में लें तो अच्छा है, 2 बार ले सकते हैं आप. पानी के साथ में भी उतना ही बेहतर काम करता है. बट अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपने पहले ट्रायल मारी है उसमें फेल हुए हैं तो आप जो है दूध के साथ में लें, दूध के साथ लें तो बेटर रहेगा, ठीक है? और उसमें हल्दी डाल दें, राइट? फेमिटाइट मंजूरिश था. बेसिकली इसका प्रोडक्ट जो है, दिस इज फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ के लिए है. एज वी नो कि फीमेल्स पास थ्रू अ वेरी टफ फेज इन देयर लाइफ. मेंसेस होती है उनको, लुकोरिया प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या है ना कि जो उनका जो एक सेक्सुअल ऑर्गन है वो कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर में है, वेयर एंड टेयर से गुजरना पड़ता है. और वो कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर के वजह से जो है वो जो ट्रैक्ट है, वजाइनल ट्रैक्ट है, सर्विक्स है, ये सारी चीज़ें जो है वीक हो जाती है, लैक्स हो जाती है. कंटिन्यूस इंटरकोर्स हो रहा है और अगर मान लीजिए डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है तो जो जो ट्रैक्ट है वो लूजनिंग हो जाएगी, लैक्स हो जाएगी,
कई बार वहां पे लुकोरिया की वजह से जो है, कई बार लुकोरिया बहुत एसिडिक होता है, जो सफेद पानी होता है एसिडिक होता है, तो उसके वजह से जलन वगैरह होती है, खारिश होती है, कट्स पड़ जाते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, इसके अंदर कुछ बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट डाले हुए हैं, जैसे मंजूरी रश था, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एलिजेरिन, बेस्ट नोन फॉर लिम्फ मूवर एंड ब्लड, जो है ये ब्लड को जो एग्रीगेशन है और जो उसका प्यूरिफिकेशन करता है। कई बार जो है ना, जो मसल्स जो होती है वो मसल्स इसलिए बहुत ज़्यादा लैक्स हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सही ब्लड सप्लाई नहीं होता है। जहाँ ब्लड सप्लाई उसका बढ़ जाएगा, उसके अंदर फिर से टोनिसिटी आ जाएगी, उसके अंदर फिर से वो जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर, जो मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो रहा है, जो ल्यूकोरिया की वजह से हो रहा है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है, जो ऑर्गन है वो लूज हो जाता है, लैक्स हो जाता है। तो उसकी हेल्थ के लिए अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं, इट हैज़ टू बी, इट इज़ अ क्रीम जेल है, उसको आपको वो ट्रैक पे लगाना है। तो ये क्या करेगा, जिस किसी को इन्फेक्शन है, जिस किसी को कट्स है, ब्रूजेस टाइप का हो चुका है, खारिश हो रही है, वो हो जाएगा और धीरे धीरे जो है वहाँ की जो मसल है वो फिर से स्ट्रेंथन हो जाएगी। स्ट्रेंथन हो जाएगी तो लेडीज़ को भी एक सही आराम होगा, जेंट्स विल ऑल्सो लाइक। नेक्स्ट इज, इसके अंदर जो है लोधरा जो अलग जो और एक हर डाली है, ये वजाइनल इन्फेक्शन इंजुरी पोस्टपार्टम वजाइनल इन्फेक्शन के लिए बहुत काम का है। तो ये पोस्टपार्टम वजाइनल इंजुरी, पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा होते हैं, तो अगर कई बार एपिस्टियोमी करते हैं, मतलब अगर नेचुरली बाहर निकल रहा है, तो उसको फिर वजाइना बड़ा करने के लिए काट देते हैं उसको थोड़ा सा, एक छोटा सा, तो एपिस्टियोमी बोलते हैं उसको, वो समय आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इट इज़ अ वंडरफुल लैक्सेटिव, लैक्सेटिव है। कई बार क्या होता है ना कि जो लुकोरिया होता है, लुकोरिया जो है ना स्टार्ची होता है, गड्ढे गड्ढे बनेंगे, पीले पीले रहता है, कई बार जो मेंस्ट्रुअल होता है वो क्लॉट्स हो जाते हैं एंड दे गेट स्टक अप समवेयर इन योर दिस थिंग वजाइनल एंड सर्वाइकल लाइन के अंदर। तो ये जो प्रोडक्ट है पीपल जो है, तो पीपल ही है, पीपल का झाड़, तो ये वंडरफुल लैक्सेटिव है। अगर इसको आप लेते हैं तो ये लैक्सेटिव मतलब वो निकालने के इसके अंदर काम में आता है, वजाइनल ट्रैक को क्लीन करता है। गुलार जो है ये एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि जो सेल्स है उसको पकड़ के रखने का, उसको स्ट्रेंथ देने का काम है, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है सेल्स को पकड़ के रखने का। तो इसकी वजह से वो जितनी भी आपकी टिश्यूज है वहाँ की, जितनी मेम्ब्रेन है वो उसको पकड़ के रखेगा। फिटकरी इम्प्रूव द म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्थ ऑफ द वजाइना, म्यूकस मेम्ब्रेन अगर उसके अंदर लुब्रिकेशन सही रहेगा तो इंटरकोर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ड्राई रहेगा तो मेल को भी प्रॉब्लम होगी, फीमेल को भी प्रॉब्लम होगी। तो एलएम डाला हुआ है, फिटकरी डाली है, सो दैट इट मेंटेन्स द म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्थ एंड सिक्रीशन ऑफ दैट एरिया। दारू हल्दी, दारू हल्दी अगेन कंटेन्स, हल्दी है एक प्रकार की बारबेरिन, इसके अंदर हमने ये डाल मतलब इसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल होता है एंड बेसिकली इसका मेन काम ये है कि ये भी एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, ये भी जो है सेल्स को और टिश्यूज को होल्ड करने के काम में आता है। मेक्स वजाइनल मसल स्ट्रांग, रिड्यूसेस फंगल इन्फेक्शन एंड यूजफुल इन रिड्यूसिंग वजाइनल इचिंग एंड लुकोरिया। कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट हमारा आज का, मेरा सेशन का, इज ब्रेस्टफिट। ब्रेस्टफिट जैसा वजाइना का प्रॉब्लम होती है वैसे ही बिकॉज ऑफ फीडिंग, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ब्रेस्ट जो है वो सैग हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, दे लूज देयर शेप एंड हु डजंट वांट टू लुक गुड एंड हु डजंट वांट टू सी गुड। लड़की को भी, लेडीज़ भी चाहती कि वो लोग अच्छी दिखें एंड ब्रेस्ट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्यूटी। तो ये जो एक प्रोडक्ट बनाया हमने, इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, एक तो हमने डाला एप्रिकॉट ऑयल, एप्रिकॉट क्या होता है, प्लम और ऑरेंजिश कलर का होता है, तो उसका ऑयल डाला है, बहुत अच्छा है, इट गिव्स अ वेरी गुड शाइन टोन टू द दिस थिंग। ये आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है या मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मेमोरी डक्स है उसको भी क्या कहते हैं एक्टिवेट करता है, ये जो वहाँ की मसल्स हैं पेक्टोरलिस मेजर वगैरह जो मसल्स होती है उसको भी स्ट्रेंथन करता है, जो ब्रेस्ट को फर्मनेस लाने के लिए, ब्रेस्ट का जो कहते हैं शेप को ठीक करने के लिए काफ़ी काम में आता है,
कई जगह लेडीज इसको बेहतर महसूस करेंगे, पता चलेगा कि कुछ ब्रेस्ट जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे वेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेजियर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ये आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, आपको पता चलेगा. सी बिकॉज व्हेन यू यूज इट योर सेल्फ यू विल नो द चेंजेस, आपको पता चलेगा. इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, नो डाउट. हमने जिसको भी रिकमेंड किया है उसको सही तरीके से उन्होंने यूज़ किया है, दे हैव फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स. कई बार जो लेडीज़ को गांठें पड़ जाती हैं ब्रेस्ट के अंदर, आप उसको प्रॉपरली उसको मसाज कीजिए, वो जो दूध की वजह से गांठें बन जाती है आप उसको उस समय दे सकते हैं, इसको लगा सकते हैं. कई बार जो मैंने जैसे बताया कि सैगिंग हो गया है, एक ब्रेस्ट ऊपर एक ब्रेस्ट नीचे है, उसको जो है फर्मनेस लाने के लिए या उसको सही, तो इसके भी तरीका है. यू हैव टू मसाज इट ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड नाइट मसाज कर सकते हैं. यू कैन डू इट ऑन योर ओन और यू कैन गेट इट मसाज, नो प्रॉब्लम. लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको लैक्टेशन के टाइम पे आपको उसको बहुत ज़्यादा इससे यूज़ नहीं करना है. लैक्टेशन अगर करवा रहे हैं कोई लेडी, तो मतलब जब दूध वगैरह पिला रही है तो उस समय आपको ये नहीं कर देना है इसको, बिकॉज दैट प्रक्रिया ऑलरेडी हो रही, बच्चा जो सक करता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ मसाज ओनली एक तरीके का, तो उस समय ये यूज़ मत करना. जब वो हो गया है मतलब ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद जब लगता है कि ये है, तो फर्मनेस वगैरह लाने के लिए ये आप प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हैं. तो श्रीपर्णी ऑयल मसल फर्मनेस के लिए एंड इम्प्रूव द मसल मास. छोटे होते हैं स्तन, बहुत से महिलाओं के छोटे होते हैं, उनको दीजिए आप, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको इम्प्रूवमेंट आएगा. लेकिन जिनके स्तन छोटे हैं उनको खाली आप मसाज कराने से नहीं होने वाला है, उनको यू हैव टू गिव सर्टन इंटरनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो. स्पाइरुलिना हो गया, वीटा डाइट दीजिए, हिमालयन बेरी दीजिए, एलोनोनी, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप साथ में देंगे तो उनको डेफिनेटली उनको इसके अंदर चेंजेस मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ मिलकर म्यूजिक के साथ जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी का. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, सब लोग जानते हैं. सेल हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कोशिका. कोशिकाएं करोड़ों, ट्रिलियंस, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हमारा सेल ये एक हमारा पावर हाउस, ये हमारे बॉडी का बेसिक जो अंग है. सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है. सेल को जो पहला हमारा जो फॉर्मूला है कि कैसे हम लोग 100 वर्ष जिए, सेल को डैमेज से बचाना है. फर्स्ट लिखा है प्रिवेंट डैमेज. सेल डैमेज कैसे होते हैं, यानी कि सेल खराब कैसे होते हैं? फ्री रेडिकल्स. यस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी फ्री रेडिकल्स. या हम लोग क्योंकि यहां पे सब आम व्यक्ति बैठे हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स हमारी बॉडी जो भगवान ने डिजाइन की है डेफिनेटली पूरी तरह से सक्षम है हर टॉक्सिन निकालने के लिए. लेकिन जब टॉक्सिन्स का बॉम्बार्डमेंट या इतना जबरदस्त बॉम्बार्डमेंट आपकी बॉडी पे होता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी से 3 गुना 4 गुना टॉक्सिन अंदर जाने लगता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है और वहां से हमारा सेल डैमेज शुरू हो जाता है. और सेल डैमेज के बाद जो दूसरा है, हमारे सेल को यंग रखना है. सभी को यंग रहना है? सभी को? ऐसा कोई है? नहीं, मुझे तो जल्दी बूढ़ा होना है. मुझे यंग नहीं रहना है सर, ऐसा कुछ बताओ कि मैं अभी बस जल्दी बूढ़ा हो जाऊं. कोई नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत जवान दिखूं, बहुत सुंदर दिखूं. तो सेम वे में जो जवानी कहां आती है? हमारे सेल की जवानी. सेल जवान तो हम जवान, और सेल बूढ़ा तो हम बूढ़े. तो हमारे सेल को जवान कैसे रखना है, वो अपने देखो स्लाइड में लिखा है बाजू में. एक एंजाइम आता है बॉडी में, CoQ10, कोएंजाइम Q10, CoQ10. ये एंजाइम हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारा सेल जवान रहता है. और हमारे किस प्रोडक्ट में CoQ10 है? ट्रू हेल्थ. यदि आपके सेल को कोएंजाइम Q10 से सप्लीमेंटेशन किया जाए, अगर आप डेली 30 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 लेना शुरू करें, आपका सेल 100% बहुत बहुत जवान रहता है. 30 मिलीग्राम हमारी एक ट्रू हेल्थ में 50 मिलीग्राम है, 50 मिलीग्राम यदि हमने ये डेली खाया. जो 20 प्लस लोग हैं दिन में एक गोली, लेकिन जो 30 प्लस 40 प्लस है उनको दिन में दो गोली.
दिन में दो गोली आप अगर देते हो तो आप जानते हो आपका बुढ़ापे में पहला कदम कब पड़ेगा, 75। और थर्ड जो हमारा टॉपिक है जो सबको चाहिए, न्यूट्रिशन। सेल को टोटल पता है कितने न्यूट्रिशन चाहिए, 46। 46 न्यूट्रिशन जरूरी है। हमारे घर के खाने में भी 30-35 न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाते हैं, 30-35, यानी कि 10-11 न्यूट्रिएंट्स आपको फिर भी नहीं मिल पाते हैं। यानी कि 46 न्यूट्रिशन अगर आपके सेल को मिलना शुरू किया, 100 का आंकड़ा यानी कि सेंचुरी हम सबकी लगने ही वाली है। और 46 न्यूट्रिशन वाला बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास आईएमसी में भी ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसके अंदर 46 न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, स्पिरुलिना मोरिंगा, मोरिंगो, 46 के 46 न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है। इसीलिए सुपर फूड्स कैटेगरी में आता है ये दोनों। और जो पहला हमारा था प्रिवेंट डैमेज, तो उसके डैमेज को रोकने का एक ही है कि टॉक्सिन्स को बाहर भगाया जाए, और उसी प्रोसेस या उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे जो हमारी कंपनी के पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हिमालयन बेरी द नंबर वन कैटेगरी का एंटीऑक्सीडेंट, हिमालयन बेरी। नंबर टू एलोवेरा, यस। नंबर थ्री नोनी, यस नोनी, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो हिमालयन बेरी फर्स्ट हमने के देखा प्रिवेंट डैमेज, तो वहां पे आपके नंबर वन आना चाहिए हिमालयन बेरी, विदाउट फेल आना ही चाहिए, क्योंकि यही तीन रूल फॉलो करके ही हम 100 से 120 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, केस टेकिंग इंपॉर्टेंस। हम लोग सभी लोग डॉक्टर्स के पास सभी लोग जाते हैं, आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी होगी, सभी ने देखी है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं हम लोग कोई भी हमारा मर्ज लेकर, एग्जाम्पल बुखार, एकदम मामूली हम लोग पकड़ के चलते, फीवर, आपको फीवर आया है, 3-4 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर की केबिन में अंदर घुसते ही जैसे आप अंदर गए, आपने बोला सर मेरे को बुखार है, तो डॉक्टर ने क्या किया, आपको तुरंत आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के बाहर भेज दिया। ऐसा हुआ है कभी, कोई डॉक्टर है ऐसा क्या करता है? आप बुखार के लिए जा रहे हो डॉक्टर के पास, क्या करता है आगे, क्या करता है डॉक्टर, इंक्वायरी चालू करता है, क्या पूछता है इंक्वायरी में, कब से है बुखार, ठंड लगती है क्या, और क्या खाया, कल क्या खाया था, पानी पूरी सेव पूरी रबड़ी रस्ते का कुछ खाया था, और जॉइंट पे ज्यादा होता है क्या, प्यास लगती है क्या, चक्कर आता है क्या, सुस्ती कमजोरी बदन दर्द हो रहा है क्या, खांसी आती है क्या, गले में दर्द हो रहा है क्या, कम से कम 8-10 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्यों करता है कि वो उसको जो जानता है कि ये बुखार के ये जो 8-10 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो हो सकता है कोई उसको पता है कि ये शायद मलेरिया की तरफ है, जॉन्डिस की तरफ है, तो वो इसीलिए 8-10 सवाल पूछता है। उसका सवाल पूछने का ये, वो सवाल के आधार पर वो अपना प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग, डॉक्टर भी जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी कोई बेचने जाता है तो 10-12 क्वेश्चन पूछता है वो, और हम अपने आप को क्या कहते हैं, वेलनेस कंसल्टेंट, सर ये मेरा कार्ड है IMC वेलनेस कंसल्टेंट। अरे वेलनेस कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टेंट क्या कंसल्ट किया आप लोगों ने, कंसल्टेंट आप लोगों ने क्या कंसल्ट किया, पाइल्स हो गया, पाइल्स हमें दे दिया, कंसल्ट क्या किया आपने, ये होता है कंसल्टेशन। डॉक्टर जाता है ना, कंसल्टेशन फीस सर वो तो 1000 रुपए लेता है डॉक्टर, तो वो 1000 रुपया उसकी एक्सपर्टीज उसकी स्किल उसके कंसल्टेशन का लेता है, कंसल्टेशन फीस। लेकिन आपने कोई कंसल्टेशन नहीं लिया है उससे, कब से बाल झड़ रहे हैं, पेट साफ हो रहा है नहीं, शराब पी रहे हो नहीं, सिगरेट पी रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, पेशाब में कोई जलन वगैरह वगैरह, XYZ 8-10 क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता है बाल झड़ने की वजह हो सकती है, उसको टैकल करना जरूरी है। इसी को कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, टोटैलिटी में पिक्चर को देखना।
हमें डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन डॉक्टर की तरह सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी वेलनेस कंसल्टेंट हो। डॉक्टर लोग का भी यही फॉर्मूला है, वो लोग भी यही करते हैं। आपका अप्रोच बहुत ही होलिस्टिक होना चाहिए, टोटैलिटी में। यानी कि अगर कोई मरीज आपके पास 8-10 डॉक्टर के पास घूम के आता है, तो आप जो बेसिक एबीसी वाले से ऊपर उठ के सोचना है आपको, क्योंकि एबीसी से लेके वो एच तक वो लेकर गया है डॉक्टर, वो जेड तक नहीं पहुंच पाया है। तो आपको हाई एंड का भी अपना दिमाग रख के कि होलिस्टिक अप्रोच उसको करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग। दूसरा इंपॉर्टेंस, क्यों केस लेना चाहिए? क्योंकि आपने मान लेते किसी मरीज को, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने वीट गोल्ड दिया होगा, वीट गोल्ड, और उसने गांव में आपके 4-5 गांव जा रहा था, वो 4-5 पैकेट्स लेकर चला गया, वो वीट गोल्ड के लेकर चला गया और उसको बहुत फायदा हुआ। आपको फोन आता है गांव से, सर अभी तो मैं वापस नहीं आऊंगा, फिलहाल मैं गांव में ही हूं, आप वो जो दवा दिए थे मेरे को उससे बहुत फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। अब आपने तो उसका रिकॉर्ड भी रखा नहीं है, आपने तो रिकॉर्ड रखा नहीं है, और आपको याद भी नहीं आपने क्या दिया, पता नहीं यार कौन सा मरीज था, दे दिया होगा कुछ ना कुछ दे दिया होगा मैंने तो उसको। अब आप बोलोगे आप स्मार्ट हो गए, वो तो पढ़ा लिखा जानता नहीं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा क्या नाम था? सर पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं, नाम बताइए सर, नाम नहीं पता मेरे को। अच्छा कलर तो बताओ, कलर तो बताओ, क्या दिया था मैंने कलर तो? हाँ हाँ सर हरा कलर है, हरा कलर है, स्पिरुलिना दिया होगा मैंने। एक काम कर स्पिरुलिना ले ले तू, कलर ना वो तो कलर जानता है, हरा दिया मतलब स्पिरुलिना दिया होगा उसको मैंने, रिकॉर्ड तो है नहीं मेरे पास। जहां जिससे फर्क पड़ना है उसी से फर्क पड़ना है, क्योंकि देखिए हम सबकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है, सबका इम्यूनिटी लेवल अलग है, सबकी रोग प्रतिकारक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी मरीज को हम देखते हैं ना कि एक सर एक पेन अवे की टैबलेट ली मैं तो एकदम ठीक हो गया, लेकिन साथ में आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा 4-4 महीना पेन अवे चल रहा है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, होता है कि नहीं? कॉमन सी बात है यार, वो डॉक्टर साहब के पास जाया कर, वो डॉक्टर ने एक खुराक देते ही सही हो जाता है कि नहीं ऐसा? वो डॉक्टर के हाथ में जादू है, एक खुराक देते ही सही हो जाता है। ये डॉक्टर के पास जाऊंगा 3-3 महीने से पहले ठीक नहीं होना है, अप्रोच का फर्क है आपने। तो ये केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस सब चीज के लिए। दूसरा टाइम ड्यूरेशन, सर ये एलोवेरा कब तक लेने का है, कैसे लेना है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेना है? बहुत सारे क्वेश्चन, यही जनरल क्वेश्चन होता है ना, चैलेंज शुरू होता है बाद में, प्रोडक्ट तो दे दिया आपने, हाँ सर ये ले लो, नोनी ले लो, ये ले लो, एलोवेरा ले लो, हिमालयन बेरी भी ले लो, पेन अवे भी ले लो, स्पिरुलिना, वीट गोल्ड, मोरिंगा सब ले लो। अच्छा ठीक है सर मैं पेन लेकर बैठा हूं, ये लेना कैसे है, खाने के पहले या खाने के बाद? खाने के पहले ले लो। अच्छा कितना टाइम पहले लेना है मेरे को? खाने के पहले अगर आपने उसको एक डोज निर्धारित कर दिया, आप देखो 99% लोग, क्योंकि हम लोग खुद मेडिकल प्रैक्टिस में है, 99% लोग दवाई लेने में रेगुलर नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत आएंगे मार्केट में, बहुत सारे सवाल अभी तो हम लोग कवर करेंगे, बहुत सारे यही सब सवालों के जवाब हमको देने हैं, क्योंकि सवालों के जवाब अगर आपने दे दिया तो हर प्रोडक्ट में मास्टरी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वन टैबलेट डेली और बिफोर आफ्टर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं मेंशन? क्योंकि केमिकल है ही नहीं। तो जब आपको कोई सवाल पूछता है सर बिफोर लेना है आफ्टर लेना है, कुछ नहीं। आपको मैं बोलूं सेब खाना है बिफोर खाइए आफ्टर खाइए, कुछ फर्क पड़ता है? आपको केला खाने का मन कर रहा है सुबह खाओ रात को खाओ, कुछ फर्क पड़ता है? सेम वे में हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स भी, यस कुछ चीजें जहां फर्क पड़ता है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना? कुछ चीजें ये तो पता है कि फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां फर्क पड़ता है, यानी कि कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, करना क्या है ये तो सबको पता है, हम तो सभी को देते हैं दवाई फटाफट, सब पेशेंट को देते हैं, लेकिन कहां पे नहीं देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में प्रोटीन्स नहीं दिए जाते हैं, हाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी उसके बॉडी में से बहुत लॉस हो रहा है, और किडनी डैमेज अगर आपने एक्सेस प्रोटीन वाला खाना दिया या प्रोटीन वाली गोलियां दी, किडनी फेलियर्स में और डैमेज करती है। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट जिसके अंदर हाईएस्ट प्रोटीन है, कौन सा प्रोडक्ट है? स्पिरुलिना, हाईएस्ट प्रोटीन, द बेस्ट प्रोटीन ऑन अर्थ। तो स्पिरुलिना को आपको कम से कम देना है यार, बिल्कुल देना नहीं है किडनी फेलियर के केसेस में, खासकर
और किडनी फेलियर्स में जो हमारा जो सुपर डुपर प्रोडक्ट जो हम बहुत आजमाते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट ला चुके हैं, जो हमारा हिमालयन बेरी किडनी फेलियर्स का सुपर डुपर प्रोडक्ट है, हिमालयन बेरी अगर आपको देनी है तो विदाउट वाटर रेकमेंड करिए। विदाउट वाटर 10 ml, 20 ml, 30 ml आप दे सकते हो विदाउट वाटर। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको कुछ केसेस लेने नहीं है, लेने ही नहीं है। देखिए डॉक्टर्स के पास भी अब जब जाओगे, डॉक्टर्स के पास भी जाओगे, कई बार डॉक्टर्स भी आपको एक लिमिट तक आपको ठीक करेंगे, जब उसके बस का नहीं होगा तो वो खुद आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, सर ये डॉक्टर के पास जाइए या अस्पताल में, मैं आपको रेफर कर देता हूं। देखा है कि नहीं डॉक्टर्स को रेफर करते हुए, रेफर करते हुए। तो हमारा अप्रोच है, हमारी भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि जहां पे सर्जरी रिक्वायर्ड है वहां पे सर्जरी ही से ही काम चलने वाला है, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स, यस प्रोडक्ट्स उसको सिम्टम कंट्रोल करने में, यानी कि उसके जो लक्षण है, उसको जो दर्द हो रहा है, यानी कि उसके जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने में 100% हमारे प्रोडक्ट्स काम आएंगे। लेकिन आप अगर बोलो सर इससे तो आपका हर्निया पूरा निकल ही जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कई बार हमको ऐसे मरीज मिलते हैं कि सर मैं तो बाहर का बिल्कुल कचरा नहीं खाता हूं, घर का बना खाना खाता हूं, फ्रूट्स खाता हूं, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स खाता हूं, बट फिर भी बीमार रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन है एप्पल का या संतरे का, मौसम्बी का, वो उसके अंदर जहां मिलना चाहिए वहां मिल नहीं पाता है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है? कचरा भरा हुआ है, बहुत मोटी परत भरा हुआ, कचरा भरा हुआ, इसीलिए वो अनएब्जॉर्ब ही बाहर निकल जाता है। तो वो एब्जॉर्प्शन, वो परत को हटाने के लिए हमको एलोवेरा का उनको रिकमेंडेशन करना है कि ये एलोवेरा लेने से वो जो आपका परत है आपकी हट जाएगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो हमको ये जो 3-4 प्रोडक्ट्स है ये उनकी डेली की जरूरत बतानी, ना कि ये बीमारी वो बीमारी, नहीं। हिमालयन बेरी, तुलसी, एलोवेरा, ये आपकी जरूरत है। स्पिरुलिना 46 न्यूट्रिशन है, जरूरत है आपकी, ये आपकी जरूरत है। इसके बाद जैसे मैंने बताया डोंट्स में हिमालयन बेरी लेने, कहते ना एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, यस, क्योंकि एसिड विटामिन सी भी बहुत ज्यादा उसके अंदर पाया जाता है, तो उसको कोशिश करें एम्प्टी स्टमक ना दे, रात को सोने से पहले भी ना दे उसको। विटामिन सी अगेन बहुत ज्यादा जागरूक, जिसको बोलते हैं ना विटामिन, बहुत जबरदस्त, ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है वो, ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है। तो अगर आपको रात को देना ही पड़े हिमालयन बेरी तो किसको देना है वो भी आपको पता होना चाहिए, किसको देना है रात को अगर देना है तो? स्टूडेंट्स, जिनको किताब देखते ही नींद आती है उनको रात को ही पिलाओ हिमालयन बेरी। फिर दूसरे जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स वालों को भी जगना होता है, तो ऐसे लोगों को हिमालयन बेरी आपको रात के समय देना है, वरना उसको आफ्टर 6 o'clock प्रोबेबली ट्राई नॉट टू गिव। हाँ, जहां जरूरत पड़े जैसे किडनी फेलियर्स में है आपको देना हो तो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर क्वांटिटी ओनली 10 ml। 5 गोल्डन टिप्स, आपको भी IMC में ट्रीटमेंट करना है, ये प्रिंसिपल को फॉलो करो, अपने आप आपके प्रोडक्ट्स खुद बनाइए, कॉम्बिनेशंस खुद बनाइए, प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए। पहला एंटीऑक्सीडेंट, हमारा प्रिंसिपल 5, इसमें बिठाइए आप सब प्रोडक्ट्स को, आप कोई भी केस हो 100% इसी सेगमेंट में आएगा वो। तुलसी, नोनी, हिमालयन बेरी, एलोवेरा, स्पिरुलिना, मोरिंगो, वीट गोल्ड, ये 5-7 कैटेगरी के टैबलेट्स में से कोई भी एक आपको प्रोडक्ट उठा लेना है। दूसरा एंटी एलर्जिक, किसी को खारिश होती है तो सर मुझे तो अगरबत्ती के धुएं से मुझे बहुत एलर्जी है, तो एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे में से एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं? श्री तुलसी, वीट गोल्ड, ब्लड प्यूरिफायर, ट्रू हेल्थ। तो इन शॉर्ट एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट्स आपको एक कोई ना कोई इनमें से सिलेक्ट करना है। तीसरा एंटी इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या है, इंफ्लेमेशन का मतलब क्या है? सूजन, सिंपल सरल शब्दों में हमको एकदम सिंप्लीफाई करना है मेडिकल टर्म्स को। हमारी हर बीमारी में सबसे पहला रिस्पॉन्स बॉडी का हमारा सूजन, तो सूजन को मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो उसके बजट अनुसार उस प्रोडक्ट को भी उसमें बिठाना है। इसके बाद एंटासिड, क्या लगता है वर्ड देख के, एंटासिड का मतलब क्या है? एंटी एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट, तो एंटी एसिड,
एंटासिड, यस एसिडिटी को रोकता है। इसके बाद तो एंटासिड के लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, एलोडाइजेस्ट, हर्बोसिड, इलायची अमृत, श्री तुलसी, तो डिपेंडिंग तो हम लोग एंटासिड हमारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन, पांचवा जो प्रिंसिपल न्यूट्रिशन, सबको तो दे दिया एंटीऑक्सीडेंट, दे दिया एंटी एलर्जिक, सूजन कम कर दी, पित्त कम कर दी, अब आया न्यूट्रिशन। तो हमने पहले देख चुका न्यूट्रिशन फर्स्ट पार्ट में कि 46 न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास जितने भी है उसको आप इसमें समावेश कर दीजिए। तो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी सरल शब्दों में। हाइपो एंड हाइपर कई बार आता है शब्द, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड वगैरह वगैरह, हाइपो एंड हाइपर, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, सिंपल। दूसरा कैलकुलाय, ये बहुत कॉमन वर्ड आता है कैलकुलाय, सर उसको कैलकुलाय है, क्योंकि आप जब पॉलिश सेगमेंट में जाते हो तो ये वर्ड आएगा आपको कैलकुलाय। क्या मतलब है कैलकुलाय, पत्थर, कैलकुलस। पीसीओडी, पीसीओडी 90% यंग फीमेल्स की बीमारी का नंबर वन कारण, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि उसके ओवरीज में सिस्ट, यानी कि पानी की छोटी छोटी गांठ। फाइब्रॉइड्स, कहते ना बच्चेदानी में गांठ हो गई है, सुना है ना, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, तो वो जब रिपोर्ट्स पढ़ोगे उसके ऊपर लिखा आएगा फाइब्रॉइड्स। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी गल जाना, हड्डी गल जाना, सरल शब्दों में हमने पानी लिया उसके अंदर हमने जो बोर्ड पे चौक लिखते हैं चौक को डाल दिया, उस पानी से निकाला चौक को, क्या होगा उसके अंदर, देखा कैसे होल होल पड़ जाते हैं होल, वो ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी हड्डियों के साथ भी वही होता है। हिमोरॉइड्स, पाइल्स, पाइल्स को हिमोरॉइड्स बोला जाता है, पाइल्स को। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। मेटाबॉलिज्म, वजन का घटना और बढ़ना, चयापचय क्रिया, यस हम लोग थोड़ा सरल शब्दों में चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म। रीनल फेलियर, किडनी, रीनल मतलब किडनी, रीनल डिजीज, रीनल कैलकुलाय, किडनी पत्थर, किडनी का पत्थर। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, अगर आपकी पल्स 90, 100, 110 ऐसा जाता है तो डॉक्टर लोग वर्ड लिखते हैं वहां पे टैकीकार्डिया, टैकी, टैकी मतलब ज्यादा। ब्रैडीकार्डिया, कम हो जाना, 60 पल्स आपकी, 60, 50 टैकीकार्डिया। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मिनरल्स की कमी के कारण होता है उसके अंदर, खास उसका जो कारण होता है। कई बार आपको एडीएचडी, वेरी कॉमन, ये अनकॉमन डिजीज नहीं है, वेरी कॉमन। ये कुछ नॉर्मल ब्लड वैल्यूज, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ईएसआर, ईएसआर खासकर मैं रोकूंगा ईएसआर पे, कि आप जब ब्लड रिपोर्ट देखते हो सीबीसी जब डॉक्टर लिख के देता है वहां पे ईएसआर, ईएसआर नीचे लिखा आता है, ईएसआर 0 से 15, अगर नॉर्मल ईएसआर है तो इस सेगमेंट में बैठ जाएगा। ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वैसे उस पर लिखा रहता है। तो ईएसआर क्या दर्शाता है, आपको जब कोई ब्लड रिपोर्ट दिखाता है ना सबसे पहले ईएसआर देखना है आपको, ईएसआर आप चेक करो कितना ईएसआर है, ईएसआर 40, 50, यानी कि कोई ना कोई इंफेक्शियस डिजीज उसके बॉडी के अंदर है। किडनी अगर है, किडनी में 2-3 चीजें हमारे जानने लायक इसलिए लिखा गया यहां पे, सीरम क्रिएटिन लेवल्स, जब हम बोलते हैं ना कि किडनी फेल हो जाती है, अगर ये क्रिएटिन लेवल्स 2 या 3 पार कर जाती है, इमीडिएट अगर 2 पार करती है तो फेलियर के पहले लक्षण, और अगर 3 पार करती है तो डेफिनेटली किडनी फेल हो चुकी है, और अगर ये मापदंड 5 पार करता है तो इसका मतलब उसको डायलिसिस लगेगा। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हम लोग जानते हैं गाउट, जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, खासकर नीचे वाले टो जो होता है वहां पे पाया जाता है, सूजन एकदम शाइनी। यूरिक एसिड गंदे क्रिस्टल होते हैं जो बाहर जाने चाहिए लेकिन किडनी उसको रोक लेती है। यूरिक एसिड गाउट बीमारी में अगर हमको कुछ देखना है, सर मेरे को तो गाउट है, आपको यूरिक एसिड लेवल्स देखने हैं उसके। उसके बाद क्या लिखा है, बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि किडनी की अगर स्टेज बहुत खराब है तो वो वेस्ट मटेरियल निकाल नहीं पा रहा है, तो BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। फिर लिखा है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट,
हमारी किडनी का एक छानने का एक रेट है 100 ml प्रति मिनट। तो GFR जो है वो कम 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 30 के नीचे आया मतलब वो किडनी फेलियर। थायराइड T3, T4, TSH, तो पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडेट। ब्रोमेट जो है कैंसर और आयोडेट थायराइड, क्योंकि थायराइड कब होता है जब हमारे आयोडीन की मात्रा ऊपर नीचे होने शुरू हो जाती है। तो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। कॉमन थायराइड के लक्षण बालों का पतला होना। कई बोलते हैं अरे अभी तो मेरे एकदम बिल्कुल बाल बचे ही नहीं है, हार्डली कुछ, एकदम स्कैंटी है, पहले तो इतने घने घने बाल थे मेरे, एकदम लगातार टूट रहे, एकदम पतले बाल हो गए। थायराइड की पहली निशानी, थायराइड मेजॉरिटी फीमेल्स में ही पाया जाता है। आप देखो कहीं भी आप देखोगे थायराइड अधिकतर फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस काफी एक बड़ा रीजन है इसके अंदर। थिनिंग हेयर, ड्राई हेयर, हेयर लॉस, स्लो हार्ट रेट, हार्ट रेट हमारी काफी कम हो जाती है, ड्राई स्किन और थकान, मूड फ्लक्चुएशंस यानी कि अभी आप एकदम हंस खेल रहे थे और अभी आप दुखी हो गए हो, सैड, एंड पुअर मेमोरी मतलब याददाश्त शक्ति, यार याद नहीं रह रहा मुझे, यानी कहीं ना कहीं आयोडीन के मात्रा आपकी ऊपर नीचे हो रही है। मसल क्रैम्प्स, हमारे जो मसल्स है क्रैम्प, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा हमारे मसल्स में से कम हो रही है, एंड जॉइंट पेन्स। अगर ये सारे लक्षण आपको उस मरीज में पाए जाते हैं तो यकीनन आप थायराइड की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ टॉप कॉमन डिजीजेस, ओबेसिटी, थर्ड मोस्ट ओबेस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत जो है हमारा थर्ड मोस्ट ओबेस कंट्री में आ गया है। तो जैसे मैंने बताया था जंक फूड खाते वक्त हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से खाने में कितनी कैलोरीज पाई जाती है। 1800 से लेके 2500 कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपको वजन कम करना है 1500 कैलोरी में ही आपको बैठना है। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या खाते हो, मायने ये रखता है कि आप 1500 कैलोरी में फिट होते हो या नहीं। फिर आप चॉकलेट खाते हो, मटन खाते हो, चिकन, फिश, जो भी खाना है सब कुछ 1500 कैलोरी के अंदर आप बैठिए विद द राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है ना, आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन। हम लोग अधिकतर जब आर्थराइटिस की बात आती है तो हम सिर्फ पेन अवे को ही मानते हैं, लेकिन हमको टोटैलिटी में इसको देखना है कि आर्थराइटिस के लिए उनकी लाइफस्टाइल कितनी एक्सरसाइज हो रही है, या दिन भर बैठे बैठे वो सिर्फ वो टीवी देख रहा है, तो डेफिनेटली आपके जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। तो उसके साथ में आपको कुछ रिकमेंडेशन भी देना है। वॉक, विटामिन्स, दो तरह के विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। एडी के तो फैट सोल्यूबल है, और जो वाटर सोल्यूबल है बी एंड सी। बी यानी कि बी के जितने भी विटामिन B1, B2, B6 जितने भी है ये वाटर सोल्यूबल, और विटामिन सी ये भी वाटर सोल्यूबल है। यानी कि वाटर सोल्यूबल का मतलब सरल शब्दों में कि आपने आज ये विटामिन खाया, ये फटाफट न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से बाहर भी निकल जाता है, वाटर में मिलकर निकल जाता है, दैट इज वाटर सोल्यूबल। यानी कि उसका ओवरडोज होने का चांस ही नहीं है। विटामिन हमने कितना भी खा लिया, सब बता रहे विटामिन की गोली, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है सिर्फ वाटर सोल्यूबल से। लेकिन अगर वो विटामिन फैट सोल्यूबल है डेफिनेटली पॉइजनिंग होती है। हमारा जो प्रोडक्ट है कैल डी डेफिनेटली विटामिन डी से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हमारे 2-3 टैबलेट देने से कुछ नहीं, ओवरडोसेज वगैरह कुछ नहीं होता है, 4-5-6। लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग केस ठीक करें, क्योंकि विटामिन सी है, FSH रैंडम यूज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन परमिटेड नहीं है। सोच समझ कर ये प्रोडक्ट जो है सोच समझ कर देना है, 2 गोली 4 गोली से अधिक मात्रा बढ़ानी नहीं है, है ना, क्योंकि कैल डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हर व्यक्ति जिसको भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिसको हम पेन अवे टैबलेट दे रहे हैं, एलोवेरा दे रहे हैं, पेन अवे ऑयल दे रहे हैं, कंपलसरी उसको कैल डी देना ही देना है। कैल डी प्लस स्ट्रेस अवे। हमने सभी ने देखा कि सारे बीमारियों का जड़ टॉक्सिन्स, ये बढ़ना वो बढ़ना, फ्री रेडिकल, कोई भी बीमारी, डायबिटीज, हार्ट प्रेशर, सबका कारण क्या है? स्ट्रेस। हर एक बीमारी में स्ट्रेस हमें देना ही है, क्योंकि फर्स्ट कारण बीमारी का स्ट्रेस है।
चाहे डायबिटीज हो, चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या जो भी हो, स्ट्रेस अवे हर व्यक्ति को, जैसे हमने देखा था ट्रू हेल्थ सभी को देना कंपलसरी है, और हमने पहले ही देखा है कि डायबिटीज थायराइड कैंसर की मेन वजह स्ट्रेस। प्यारी सहेली टैबलेट्स, जैसे प्यारी सहेली सिरप देते हैं, प्यारी सहेली टैबलेट्स एज द नेम इंडिकेट्स बेस्ट रेमेडी फॉर फीमेल कंप्लेंट्स। महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग जानते हैं, पीरियड संबंधी हार्मोनल इंबैलेंस, जैसे हमने देखा कि बाल झड़ना एक हार्मोन इंबैलेंस की वजह से होता है, थायराइड मेन कारण हार्मोन इंबैलेंस, मूड स्विंग्स हार्मोन इंबैलेंस, मेनोपॉजल सिम्टम्स ड्यू टू मूड एनहेंसर, आपका जितना मूड फ्लक्चुएशंस सब कुछ हार्मोनल इंबैलेंस। तो प्यारी सहेली आपका जो हार्मोनल लेवल्स अप एंड डाउन जो हो रहा है इसको कवर करेगा। स्किन ग्लेयर, जैसा नाम है ब्यूटी प्रोडक्ट, सभी लोग को अच्छा फील गुड दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज को ही दिया जा सकता है, फोटो दिया जा रहा है क्योंकि ब्यूटी फीमेल से आती है इसलिए फीमेल का फोटो दिया गया है, लेकिन ये मेल्स को भी दिया जा सकता है केवल ब्यूटीफुल दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए। माइंड बोल्ड, माइंड बोल्ड, याददाश्त कमजोर हो गई है, याद नहीं रहता है यार, एकदम ज़रा भूल जाता हूं। बच्चों के लिए, मेरा बच्चा तो दिन भर किताबों में घुसा रहता है लेकिन पता नहीं एग्जाम में जाके क्या हो जाता है उसको, एग्जाम में जाते ही सब भूल जाता है वो, वेरी कॉमन। तो जिनको भी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है, भूलने की बीमारी, और जिनको खासकर आप लोग अगर ब्रेन से कनेक्टेड कोई ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर्स, जितने भी आप ब्रेन के संबंधित, उनको आप ये माइंड बोल्ड दीजिए। इसके बाद स्टीविया पॉट, शुगर का बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो जिनको शुगर है उनको तो डेफिनेटली है वरदान, मोटापा, शुगर के अलावा मोटापा, और मोटापा ही नहीं जितनी भी बीमारियां आपको अगर रोकथाम करनी, आपको पता है जितनी भी चीजें वाइट्स में होती है, मैदा शुगर ये नुकसानदायक है, तो शुगर का बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जहां जहां आपको शुगर जा रही बॉडी में, शुगर को आप स्टीविया पॉट से रिप्लेस करें, आपको कई सारी बीमारियों से एक मुक्ति मिलने में फायदा मिलेगा। सो दैट वॉज द प्रेजेंटेशन, वी मेक पीपल हेल्दी, वी मेक पीपल वेल्दी, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से स्वागत करें डॉक्टर संदीप का। आयुर्वेदा को हम बोल सकते हैं द साइंस ऑफ लाइफ, कि ये जो जीवन की विज्ञान है, और इसकी डेफिनेशन ये कही होलिस्टिक अप्रोच टू ए ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी आदमी को उसको ठीक करने की, उसको मेंटली, उसको फिजिकली, उसको और सोशली उसको बैलेंस करने की जो एक विज्ञान है उसको नाम है आयुर्वेद। काफी लोग ये रहता है कि एलोपैथी है आयुर्वेद है, तो एक बड़ा कॉमन सा जो डिफरेंस है जो आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। एलोपैथी शुरुआती ट्रीटमेंट से होती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे दो चार क्वेश्चन पूछेगा और दवाइयां लिख के आपको दे देगा कि जी ये दवाइयां हैं आपको खानी है, जिंदगी भर खानी है या जितना भी टाइम है खानी है। वो शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट से, देन रेजुविनेशन, और थर्ड नंबर पे प्रिवेंशन आता है उनका एलोपैथी का। लेकिन आयुर्वेदा आप देखेंगे तो सबसे पहले आयुर्वेदा शुरू करता है प्रिवेंशन, कि बीमारी का रोक, कि बीमारी हो ही ना शरीर में, उस पे आयुर्वेदा सबसे पहले काम करता है, देन रेजुविनेशन, देन ट्रीटमेंट पे बात आती है, कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद मरीज ठीक नहीं हो रहा, बीमारी नहीं रुक रही, तो उसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया जाए। देयर इज अ डिफरेंस इन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेद माँ है और बाकी जो भी पैथीज हैं वो सब इसकी ब्रांचेज हैं, एलोपैथीज में से निकली है, होम्योपैथीज में से निकली है। आयुर्वेद अब जो आज की जो टाइम है उसमें आयुर्वेद ज़्यादा क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल पाया, उसका रीज़न आयुर्वेदा रा फॉर्मेट में था, कि आप किसी को कहें कि जी आपको ये दवाइयाँ लेनी, तो चार पांच जड़ी बूटी के नाम बताएंगे कि ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, और उसके बाद घर जाके इनको कूटना है आपको, इनको छानना है, फिर इनका काढ़ा तैयार करना है, देन आपको सुबह शाम पीना है। तो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। सबसे पहले अब क्या हुआ, IMC ने क्या किया, IMC इंट्रोड्यूस आयुर्वेदा एज ए स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज डोजेज फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज डोजेज फॉर्मेट का मतलब है कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, ये सब आपको IMC ने दे दिया। आयुर्वेदा अच्छा काम करता है, दिक्कत थी रा फॉर्मेट में था, वो काम IMC ने कर दिया, कि आपको सारी चीजें स्टैंडर्डाइज डोजेज फॉर्मेट में आपके सामने दे दी, आपको एक टैबलेट लेनी है, बात खत्म। IMC ने क्या किया, जो हब्स हैं, जो भी हब्स जिस बीमारी में काम करते हैं, उनके एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाला और उनको प्रॉपर प्रोसेसिंग करके टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आपके सामने
पेश किया है। न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री के फायदे हैं, न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट होते हैं वो सेफ होते हैं, सेफ होते हैं, उनके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। न्यूट्रिशन जो इंडस्ट्री है वो सेफ है, उनकी सेफ्टी है। फार्मास्यूटिकल की एफिकेसी है कि वो काम करती हैं, न्यूट्रिशन सेफ है, फार्मास्यूटिकल की एफिकेसी है। और जहां दोनों मिल जाते हैं, सेफ्टी प्लस एफिकेसी, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स को बोला जाता है द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट फूड, वेयर फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स कन्वर्ज, जहां फूड और फार्मास्यूटिकल्स दोनों मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, 2020 तक कंटिन्यू बहुत ऊपर जाने वाली है। 2020 का जो आंकड़ा है, ये बहुत, देख रहे हैं किस स्पीड से ऊपर जाएगी। इसके अगर आंकड़े देखें, 2010-11 में ये इंडस्ट्री थी 11,500 करोड़ रुपए की। 2017-18 तक एक इंडस्ट्री हो जाएगी 38,600 करोड़ रुपए की। और 2020 का जो टारगेट है, ये इंडस्ट्री हो जाएगी 54,750 करोड़ रुपए की। देन अब आते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। आपने देखा आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, उस इंडस्ट्री आप सही इंडस्ट्री में हैं या नहीं, ये आपने देख लिया कि आप किस इंडस्ट्री में है और उसकी क्या ग्रोथ होने वाली है। देन अभी बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स, अभी तक आप अपने प्रोडक्ट्स किस किस कैटेगरी के हैं, आपको पता है कौन कौन सी कैटेगरी हैं? हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, स्किन केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, ये सब कैटेगरी अभी तक हम देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स को, वो कैटेगरी अच्छी है, हम केवल प्रोडक्ट्स को आसानी से समझने के लिए, कि आप अच्छे से आप प्रोडक्ट्स को समझ पाएं, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स को थोड़ा कैटेगराइज किया है। सबसे पहले लिया है डिटॉक्स, देन प्रिवेंशन, देन न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट, मील रिप्लेसमेंट। सबसे पहले कौन सा है? डिटॉक्स। तो सबसे पहले हम लेंगे डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन। तो सबसे पहली बात कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत किसको है? डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत उनको है जो लोग खाना खाते हैं। कौन लोग खाना खाते हैं? आप सब खाते हैं। जो पानी पीते हैं, कौन पीता है पानी? आप सब पीते हैं। जो लोग सांस लेते हैं, कौन लेता है सांस? आप सब लोग सांस लेते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत सबको है। तो डिटॉक्सिफिकेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टॉक्सिन्स आते कैसे हैं शरीर में और जाते कैसे हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है, कि टॉक्सिन शरीर में घुसते कहां से हैं और निकलते कहां से हैं, ताकि उन्हीं पे हम काम करेंगे। शरीर में टॉक्सिन्स घुसने के 3 रूट हैं। सबसे पहले लंग्स, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो टॉक्सिन्स जाएंगे अंदर। हमारे चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ है, लोग स्मोकिंग करते हैं, इतने व्हीकल्स हैं, उनका धुआं है, सब कुछ है, ये लंग्स के थ्रू टॉक्सिन्स अंदर गए। दूसरा रूट है स्किन। कुछ भी हम, जैसे कल रूबी मैम ने बताया कि बहुत सारे हम स्किन कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, केमिकल्स वाले लाते हैं, उनको स्किन पे यूज करते हैं, उसके थ्रू टॉक्सिन शरीर में जाते हैं। तीसरा रूट है जो हमारा ओरल रूट है, मुंह से लेके खाना, जो भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वो टॉक्सिन जाने का एक तीसरा रूट है। तो 3 रूट से ही टॉक्सिन हमारे शरीर में जाते हैं, इसके अलावा कोई रूट नहीं है। होगा क्या, तीनों रूट से टॉक्सिन्स अंदर जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे लीवर के पास। लीवर उनको बाहर निकालेगा। भगवान ने अपने आप मैकेनिज्म बना रखा है हमारे शरीर में कि टॉक्सिन्स आएंगे तो अपने आप बाहर निकलेंगे। लीवर उनको निकालेगा, और निकलने के 4 रूट हैं, एक चौथा रूट एक्स्ट्रा हो जाता है। निकलने के वही 3 रूट तो वही होंगे। एक तो सांस से निकलेंगे, भाई हमने ऑक्सीजन लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, टॉक्सिन्स सांस के थ्रू निकल गए बाहर। दूसरा वही कोलोन, मुंह वाला, मल के रास्ते से हमने मल द्वार से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला। तीसरा स्किन, स्किन से पसीना निकला, उसके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकले। देन एक चौथा रूट और है किडनीज का, पेशाब के रास्ते, यूरिनेशन के थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन जब टॉक्सिन्स एक्सेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो लीवर उनको सारा बाहर नहीं निकाल पाता, और एक्सेसिव टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी सेल्स में। वो ज्वाइंट में जाएंगे, वो ब्लड में जाएंगे, वो ब्रेन में जाएंगे, वो फैट सेल्स में जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहीं की बीमारियां पैदा होती जाएंगी। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आईएमसी के? एलोवेरा, डिटॉक्स फुट पैच, फ्रेश मॉर्निंग, यूरिनोम सिरप, लीव के टैबलेट एंड सिरप। सबसे पहले हम आते हैं एलोवेरा पे। एलोवेरा को द मिरेकल प्लांट बोला जाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंथ्राक्यूनोल्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में जाके दो तरीके से काम करते हैं एलोवेरा। एक तो न्यूट्रिशन का, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का। एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पिक्चर नंबर 1 में आप देखेंगे, ये हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, आंत। आंत के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं,
जिनमें से चीजें अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, चाहे हम खाना खाएं, चाहे कोई दवाई लें, चाहे कुछ भी लें, वो इन्हीं से अंदर जाके शरीर में काम करेगी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिक्चर नंबर सेकंड में आप देखेंगे कि काले काले रंग के जो हैं ये हैं टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स धीरे 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 जाके, इन्हें विल्लाइज बोलते हैं, विल्लाई हैं ये, आंतों के अंदर होती हैं विल्लाई, इनमें टॉक्सिन्स जमा होते जा रहे हैं और जमा होते जाएंगे, ये स्पेस पूरा भर जाएगा, एक लेयर बन जाएगी और कुछ भी चीज़ हम खाएंगे वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी। एलोवेरा क्या करता है, अंदर जाएगा, एलोवेरा के जो फाइबर्स हैं लिग्निन सैपोनिन की वजह से इन विल्लाइज में जाएगा और इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और चीज़ें एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी। हमारा एलोवेरा एलोवेरा बारबेंडेसिस मिलर से बना है, 94% इसमें एलोवेरा बारबेंडेसिस मिलर है। देन इसमें एनरिच्ड विद आंवला, तुलसी, जिंजर एंड स्टीविया इसमें ऐड किया गया है, और कम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसके एक्शन बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन है वो कम्बिनेशन में ज़्यादा काम करती है बजाय कि सिंगल हर्ब के। रही बात डोजिंग की, डोजिंग का ये कर सकते हैं, मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स पे जो रिकमेंड करता हूँ, मेरे को जो लगा कि नाइट टाइम में देने से इसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं, 60 ml अडल्ट डोज बता रहा हूँ मैं, बाई एज कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, अडल्ट डोज 60 ml रात को सोते हो गर्म पानी के साथ अगर आप दें तो रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं बजाय कि 2 divided डोजेज के। देन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास कौन से टूल हैं, सबसे पहले एलोवेरा, दूसरा डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच क्या है, ये काम करता है ऑस्मोसिस पे, ऑस्मोलरिटी एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, जैसे पौधे में हम पानी डालते हैं, पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, उसकी आखिरी पत्ती तक, उसकी ऊपर डाली तक पानी पहुंच जाता है, नहीं वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनसे पानी नीचे डालते हैं, ऑस्मोसिस से वो पानी ऊपर पहुंच जाता है, वही प्रिंसिपल है डिटॉक्स फुट पैच का काम करने का। ऑस्मोलरिटी बेस पे काम करता है, हमारा पैर है जो वो हाईली पोरस है, बहुत सारे पोर्स हैं वहाँ से बहुत सारा आप देखेंगे पसीना या टॉक्सिन निकलने का सबसे अच्छा स्पेस है वो स्किन का, तो डिटॉक्स फुट पैच अगर वहाँ पे लगाएंगे तो ये टॉक्सिन्स को वहाँ से इजीली खींच पाएगा ऑस्मोलरिटी प्रिंसिपल पे। तो पैर का जो ये एरिया है जहाँ पे ये चिपका जाता है वहाँ पे गाल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज एंड किडनी के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर डिटॉक्स फुट पैच लगाएंगे तो आप ये सारे ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, उनको रिफ्लेक्सिलोजी से उनको आप सेंसेशन देके इन ऑर्गन्स को आप बढ़ा रहे हैं, उनके एक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो ये ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन और ज्यादा होगा। एक पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये एक पिक्चर है, इस आदमी का नाम है KGK पिल्लई, उम्र इनकी 61 साल, ये एक आदमी है चेन्नई के, जैसे मैंने बताया KGK पिल्लई, इनको डायबिटीज थी, डायबिटीज की वजह से इनका लीवर खराब हो गया, और लीवर खराब हो गया तो इनको एक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, लीवर ट्रांसप्लांट किया गया एक आदमी का जिसकी उम्र थी 21 साल, उसके जो बाल सफ़ेद हो गए थे बाल दोबारा से काले हो गए, उसकी मूछें दोबारा से आ गई, काली मूछें आ गई और बिल्कुल जवान हो गया लीवर ट्रांसप्लांट करने से। तो इससे ये पता चला लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, वो किस लिए कि शुरू में मैंने आपको बताया था डिटॉक्सिफिकेशन की जो थी, टॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, लीवर के पास जाते हैं देन बाहर निकलते हैं, तो अगर लीवर स्ट्रॉन्ग होगा तो टॉक्सिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, टॉक्सिन शरीर में नहीं रुक पाएंगे तो बीमारियाँ नहीं होंगी, आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, जवान रहेगा। आप लोग होना चाहते हैं जवान? Yes! तो लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर ने हमारे लिए ट्रांसप्लांट के बजाय लीव के टैबलेट एंड सिरप पेश किए हैं। Yes! इनको आप रेगुलर यूज़ करके वैसे ही जवान हो सकते हैं। ये था डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से प्रोडक्ट थे, एलोवेरा, डिटॉक्स फुट पैच, लीव केयर टैबलेट एंड सिरप, इसका हमने बताया। इसके अलावा कौन सा रह गया, फ्रेश मॉर्निंग। फ्रेश मॉर्निंग भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, रात को सोते वक्त 2 गोली गुनगुने पानी के साथ आप लोगों को दें तो उससे भी उनके टॉक्सिन्स निकलेंगे, उनकी कंस्टिपेशन दूर होगी। उसके अलावा यूरिनोम सिरप है, जैसे बताया कि किडनीज के थ्रू भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो जिन लोगों को UTI रहता है, इन्फेक्शन रहता है बार बार, उनको आप यूरिनोम सिरप दें। देन प्रोडक्ट कैटेगरी पे आते हैं, दूसरी कैटेगरी क्या थी, प्रिवेंशन, डिटॉक्स हमने देखा, दूसरा प्रिवेंशन। जैसे आप देखते हैं कि लोहा कोई बाहर पड़ा है कुछ दिनों बाद जंग के कैसा हो जाता है, ये देखा ना, सेब जैसे कट जाता है थोड़ी देर बाद वाइट से बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब जंग लगना, जंग जो जंग लगता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज़ चाहे वो सजीव चीज़ है चाहे निर्जीव चीज़ है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उस कंडीशन को नाम दिया जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही एजिंग का मेन कारण है।
हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े। इस एजिंग का मेन कारण ये ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन, आपके दिमाग में कोई भी बीमारी का नाम आए, कोई भी, आज की डेट में कोई भी बीमारी, आप कुछ भी बीमारी दिमाग में सोचें, जोड़ों का दर्द, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, सर्वाइकल, जो भी बीमारी आपके दिमाग में है, उन सब का मेन कारण ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है। ये फ्री रेडिकल्स ही हैं, ये जिस ऑर्गन पे जाएंगे, जिस ऑर्गन को अटैक करेंगे, वहीं पे बीमारियां होती जाएंगी। अगर वो ब्रेन में जाएंगे तो अल्जाइमर डिजीज है या और ब्रेन की जो भी बीमारी है, हार्ट में जाएंगे तो हार्ट अटैक है, किडनी में जाएंगे तो किडनी की बीमारियां, स्किन में जाएंगे तो स्किन की बीमारियां, ज्वाइंट्स में जाएंगे ज्वाइंट्स की बीमारियां। तो इस तरह जिस ऑर्गन में ये फ्री रेडिकल्स जाएंगे वहां की बीमारियां हमें होती जाएंगी। और ये आजकल जो भी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो सारी यही बीमारियां हैं, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हैं। जो फ्रूट्स हैं उनकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं ओरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। हर प्रोडक्ट की उसकी ओरेक वैल्यू कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिमालयन बेरी। बादाम की ओरेक वैल्यू है 4454, तो कुछ आइडिया कि हिमालयन बेरी की कितनी होगी? इसकी ओरेक वैल्यू है 1,02,700। 1,02,700, आप कंपैरिजन सोचे कहां है कंपैरिजन। हॉस्पिटल में लोग अगर आईसीयू में एडमिट है मेरे हॉस्पिटल में, तो मैं उनको भी फूड पाइप अगर लगी हुई है, नेजल पाइप डली है, उससे भी मालन बेरी डाल देते हैं उसके अंदर। तो आप लोग सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना है, शरीर को सफाई करना है, देन प्रिवेंशन, उसको ये यूज करते रहना है ताकि बाद में और बीमारियां उसको लगी ना, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन। देन थर्ड आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पर बात करते हैं। एक होता है न्यूट्रिशनल गैप, व्हाट वी शुड ईट, हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट वी एक्चुअली ईट, और हम क्या खा रहे हैं। तो एक तो ये कि हमें क्या खाना चाहिए और एक क्या खा रहे हैं, इसके बीच एक गैप बन गया, इस गैप को बोलते हैं न्यूट्रिशनल गैप। और ये न्यूट्रिशनल गैप ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल गैप होगा, जिसका जितना बड़ा न्यूट्रिशनल गैप होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा बीमारियाँ होती जाएंगी। तो हमें इस बीमारियों को रोकने के लिए क्या करना है, न्यूट्रिशनल गैप को भरना है, इस न्यूट्रिशनल गैप को खत्म करना है। तो इस माल न्यूट्रिशन को या इस न्यूट्रिशनल गैप को भरने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। अभी तक वर्ल्ड में 5 सुपर फूड माने गए हैं। सबसे पहला है स्प्रुलेना, दूसरा है व्हीट ग्रास, तीसरा है मोरिंगा, चौथा है अल्फा अल्फा, और पांचवा है बार्ले। ये 5 ग्रीन सुपर फूड माने गए हैं। तो इसमें से स्प्रुलेना हमारे पास है, स्प्रुलेना टैबलेट, व्हीट ग्रास हमारे पास है, व्हीट गोल्ड, मोरिंगा है हमारे पास, 3 सुपर फूड हमारे पास है, 2 सुपर फूड है अल्फा अल्फा एंड बार्ले। तो सर ने क्या किया, मोरिंगा के साथ ही अल्फा अल्फा एंड बार्ले को मिला दिया और उसका नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया सुपर नरिश मोरिंगा। तो हमारे पास 500 सुपर फूड है, आपकी कंपनी के पास 500 सुपर फूड। तो मोरिंगा की बात करें थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू की, दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है मोरिंगा में, ऑरेंज से 0.5 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है लेकिन उससे भी 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए होता है, केले में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसमें केले से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम होता है, आयरन पालक में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन इसमें उससे 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है, और योगर्ट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, इसमें उससे 9 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सुपर फूड। तो भाई IMC सुपर नरिश मोरिंगा, उसको ही क्यों यूज करें, क्योंकि उसमें मोरिंगा के साथ साथ अल्फा अल्फा एंड बार्ले ऐड किया गया है। तो आपको मोरिंगा के साथ साथ 2 सुपर फूड फ्री गिफ्ट मिल रहे हैं, अल्फा अल्फा एंड बार्ले। देन नेक्स्ट सुपर फूड स्प्रुलेना। स्प्रुलेना जो है ये एक तरह की काई होती है जो समुद्र में मिलती है, और ये जब धरती पे जीव की उत्पत्ति हुई 3.5 अरब साल पहले लगभग, तो फोटोसिंथेसिस से उत्पन्न होने वाली सबसे पहली चीज धरती पे स्प्रुलेना ही थी।
स्प्लीना इस धरती पे उत्पन्न होने वाली सबसे पहली फोटोसिंथेसिस से जो चीज उत्पन्न हुई वो स्प्लीना ही थी। इसी को खा के उस समय के जो जीव जंतु थे वो जिंदा रहे, वो हेल्दी रहे। तो स्प्लीना एक काई है और इसी काई का ड्राई पाउडर हमारे सामने, ड्राई पाउडर करके और इसकी एक टैबलेट फॉर्म में हमारे सामने पेश किया है जिसका नाम है एलोए स्प्लीना टैबलेट। इसकी आप एक एक टैबलेट सुबह शाम लेंगे तो आपको न्यूट्रिशनल गैप भर पाएंगे, आप में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। देन व्हीट गोल्ड, ये व्हीट ग्रास जो सुपर फूड है उसको टैबलेट फॉर्म में हमारे सामने पेश किया है व्हीट गोल्ड के नाम से। तो इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, हरा खून। इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इक्वलेंट टू हमारे ब्लड के काफ़ी मैच करता है, तो ये अब्जॉर्ब बहुत जल्दी होता है ब्लड में। तो आपको जो भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको स्किन प्रॉब्लम है, या कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम करेगी व्हीट गोल्ड टैबलेट्स। इसके अलावा इसमें विटामिन सी ई के बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दो ओंस थोड़ा सा होता है, दो ओंस अगर आप व्हीट ग्रास का जूस लें तो वो इक्वलेंट है 4 पाउंड ग्रीन वेजिटेबल्स के बराबर। 4 किलो सब्जियां अगर आप खाएंगे और 2 ओंस केवल व्हीट ग्रास लेंगे तो बराबर इक्वलेंट रिजल्ट है उसका। अपना एक और नया प्रोडक्ट देखते हैं, काउ यूरिन हर्बल गोमूत्र, और साथ में उसमें क्या डाला गया है, इलायची एंड तुलसी उसमें एनरिच की गई है। गोमूत्र को समझने के लिए सबसे पहले समझे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन होता है इसलिए हम बूढ़े होते हैं। दूसरा एक चीज और है कि हम डेली यूरिन पास करते हैं, यूरिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकल रहे हैं हमारे शरीर से, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर से निकल जाते हैं, बहुत सारे गोल्ड साल्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यूरिन से डेली निकलते रहते हैं, और यही हमारी एजिंग का एक कारण है। तो उसका एक सबसे बढ़िया उपाय है उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वापस लेने के लिए, गौमूत्र। गौमूत्र में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे गोल्ड पार्टिकल्स हैं, वो सारे उसमें जरूरी चीजें हैं जो हमारे शरीर से डेली निकल रही हैं, तो उन सबको वापस लेने के लिए हम क्या यूज करें, गौमूत्र। बहुत काम है गौमूत्र के, गौमूत्र आर कैन हेल्प फाइट डेंगू। किडनी फेल्योर में गौमूत्र बहुत अच्छा काम करता है, किडनी फेल्योर में आप इसको यूज कर सकते हैं, डेंगू में यूज कर सकते हैं। देन अगला प्रोडक्ट है प्रोटीन, प्रोटीन पे बात करते हैं। प्रोटीन के फायदे क्या हैं, वेट लॉस में इसको यूज कर सकते हैं प्रोटीन को, वेट लॉस के लिए प्रोटीवोन, पावरो गोल्ड नहीं लेना है, स्पेशली जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो प्रोटीवोन लें, शुगर फ्री है, वो वेट लॉस में अच्छा काम करेगा। इंस्टेंट एनर्जी देता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, गुड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। ये तो प्रोटीन के फायदे। लेकिन बाजार में प्रोटीन उपलब्ध है 2 तरह के, एक होता है वे प्रोटीन, एक है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। बाजार में जो भी प्रोटीन अवेलेबल है, मोस्टली 99% जो प्रोटीन अवेलेबल है वो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन। और इसका अगर कंपैरिजन देखें तो वे प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड है, मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, ये इजिली डाइजेस्ट होता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, इसमें कोई एलर्जेंस नहीं होते। ब्लोटिंग करता है और एसिड फॉर्मिंग बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है वे प्रोटीन, और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनमें इस तरह का कुछ नहीं होता। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनसे, किसी तरह का कोई कैंसर होने का खतरा नहीं है उनसे, किसी तरह की शुगर की दिक्कत नहीं है, वो किसी तरह से हार्ट को खराब नहीं करते। तो हमें कौन से प्रोटीन यूज करने हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज करने हैं, और IMC ने हमें दिए हैं पावरो गोल्ड एंड प्रोटीवोन। दीज आर सोया प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, इसमें बादाम भी डाला गया है, इसमें अश्वगंधा भी डाला गया है, इसमें ब्रह्मी भी डाला गया है, और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। मील रिप्लेसमेंट, आयुर्वेद में सबसे पहले यही कहा गया है, इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, अगर आपकी डाइट ही गलत है तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड, अगर आपकी डाइट ठीक है तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ डाइट पे डिपेंड है, तो आपको डाइट पे ध्यान देना है। और मील रिप्लेसमेंट में बस इतना ही है कि अपनी कंपनी में बहुत सारे खाने के आइटम हैं, बिस्किट है, बहुत तरह के सूप हैं, बहुत तरह के जूसेस हैं, और अब तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो आ गया है वो है मल्टीग्रेन आटा। आप मल्टीग्रेन आटा घर में यूज़ करें, 1 किलो की पैकिंग है इसको, 10 किलो नॉर्मल कोई भी घर में आपके आटा है उसमें आप इसको मिक्स करें और 11 किलो मल्टीग्रेन आटा आपका तैयार हो गया। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं,
बहुत मिक्स फ्रूट जूस है, बहुत सारे सूप हैं, शेक हैं, ये सारे मील रिप्लेसमेंट में आएंगे। आपको अपने खाने की, खाने पीने की चीज़ें बदलनी है पहले घर से, दवाइयाँ बाद में आएंगी, पहले आपको मील ये रिप्लेस करना है सारी चीज़ें। जिन लोगों को कंस्टिपेशन की दिक्कत है, जिनको शुगर की दिक्कत है, आप खाली खाने पीने की चीज़ें चेंज करा दें, उसी से बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी घर में। इसके अलावा जूसेस, आप कोई भी बाजार से जूसेस ना लाएं, अपने जो जूसेस हैं, मिक्स फ्रूट जूस है, मिक्स वेजिटेबल जूस है, शुगर केन जूस है, ये यूज़ करें। गोलगप्पे खाने का, पानी पूरी खाने का मन है तो पानी पूरी मसाला, पानी पूरी है हमारे पास। गन्ना जूस पीना है, शुगर केन रस है हमारे पास। फलूदा खानी, फलूदा हमारे पास। शेक पीना है, शेक, यही तो खाने जाते हैं हम बाहर, तो क्यों जाएं अब बाहर, हमारे पास सब कुछ है। तो सबसे पहले हमारे घर से मील रिप्लेस करें। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आता है कि किस बीमारी में क्या दें, ये मैनेजमेंट में आता है कि पर्टिकुलर, चलो इतना सब कुछ हमने किया, हमने डिटॉक्सिफिकेशन भी किया, प्रिवेंशन भी किया, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद किस बीमारी में हम क्या दें उनको, तो वो मैनेजमेंट आता है। एक चीज़ बहुत बड़ी है कि अगर ये आप पढ़ ही सकते हैं, फेथ इन मेडिसिन मेक इट इफेक्टिव। अगर आपको अपनी दवाई पे विश्वास है तो काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी, हम चाहे कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स में डाल दें। तो आपको, आपको अपनी दवाई पे विश्वास करना है कि मेरी दवाई ठीक करेगी, और आप कर सकते हैं। मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में कैंसर, खांसी, जुकाम, नॉर्म, हर तरह के पेशेंट ठीक किए हैं। ये तो एक जनरल प्रेजेंटेशन थी जो अभी तक कि काफ़ी प्रोडक्ट्स हम इसमें कवर कर पाए, और हो सकता है, मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा उन प्रोडक्ट्स के बारे में।